जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। कल हम लोगों ने CDS 2023 के फर्स्ट वाले पेपर का आधा सेट लगा लिया था। आधा सेट का मतलब क्या हुआ, ये पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था कल, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व किए थे। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 120 तक सॉल्व करेंगे, और इसमें सेगमेंट वाइज नहीं चलेंगे, जैसे आपके क्वेश्चन में था क्वेश्चन वाइज चलेंगे। और ये आपका सेट कौन सा है, बुक कोड जो है वो है ए, ठीक है। तो जिन्होंने भी ए वाला दिया होगा उनको डायरेक्टली मिल जाएगा 1 by 1, और जिन लोगों का दूसरा कोड रहा होगा क्वेश्चन सारे यही हैं। तो ए वाले की सीरीज में जैसे जैसे क्वेश्चन थे हम उसी तरह करते चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम वो कैप पहले करा दें, ग्रामर बाद में करा दें, रीअरेंजमेंट बाद में करा, नहीं, जैसे आपका पेपर आया था उसी तरह कराते जाएंगे। अच्छा, इसके पहले हमने आप लोगों के लिए एक एनालिसिस डाली थी 2020 से लेकर के 2023 तक फर्स्ट और सेकेंड में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जितनी बार आए हैं, कौन कितनी फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, कितने नंबर में आ रहे हैं, सब मैंने डाला था 2024 की आपकी प्रिपरेशन के लिए। वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों में से जितने लोगों ने वो देखा है, अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक इस वीडियो के साथ भी उसका कनेक्टेड है और उस वाले के साथ भी कनेक्टेड था। अच्छा, PDF का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑफ PDF दिया हुआ है, आप वो PDF डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर होगा कि आप पहले PDF सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास आपका पेपर है तो कोई बात नहीं, PDF की ज़रूरत नहीं, आप अपना पेपर लेके बैठ जाइए, हमारे साथ डिस्कशन में एक साथ शुरू करिए। जिन लोगों ने कल वाला नहीं देखा था वो इसके बाद में देख लीजिएगा या इसके पहले देख लीजिए, मतलब आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, देख जरूर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 2023 का ये फर्स्ट वाला है, 2023 का सेकेंड वाला इसके बाद आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों के लिए बता दूँ कि CDS और NDS साथ साथ में चलेगा। CDS का पेपर 2 दिन में सॉल्व होगा और NDA का पेपर एक बार में सॉल्व होगा, तो 2 आपका CDS वाला करने के बाद 1 NDA वाला कर देंगे, फिर आपका CDS 2023 का सेकेंड वाला कर देंगे, फिर NDA वाला कर देंगे, फिर आपका 2022 का फर्स्ट सेकेंड वाला करेंगे, NDA वाला करेंगे। क्लियर है? अगर आप सब लोग राजी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा, आप बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, अगर इससे सहमत हैं तो यस, नहीं तो आप अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका डिस्कशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो अब जो हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं 61 से लेकर के 120 तक, तो 61 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन किसके होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं रीअरेंजमेंट के, वही PQRS, जिसमें एक सेंटेंस स्टार्टिंग का एक लास्ट का ऑलरेडी सेट होता है। देखो S1 और S6 ऑलरेडी सेट है, PQRS बीच में है। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी समस्या होता है, आई नो वेरी वेल, बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा सर PQRS नहीं होता, तो ये अभी एक एक करके कर लीजिए। आपके एग्जाम के पहले ही हम 2021 से लेकर के 23 तक 8 सेट होंगे। इन 8 सेट्स में अब देखो कितने 2021 का, 22 का और 23 का, हाँ 6 सेट होंगे। 6 सेट में जितने भी PQRS वाले क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैं एक बार में एक साथ करा दूंगा, क्लियर। और अब आपको किसी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत होगी तो लेट मी नो, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग अपना, और आपका पहला क्वेश्चन आज 61 क्या है। देखो अरेंजमेंट में पहले ही बता चुका हूँ ये अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा सकूँ, ठीक है। चलो, तो S1 और S6, S1 ये पहला है और जो S6 लिखा है ये आपका लास्ट सेंटेंस है, याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं पहला सेंटेंस, लाइक मेनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, क्लियर। जो ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट है भूमध्य रेखा के आसपास, इक्वेटर के आसपास जो भी कंट्रीज रहती हैं, जैसे इंडिया था, चाइना था, तो इन लोगों की तरह इंडिया भी कभी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। विच रूल्ड, ये किसके लिए लगा, ब्रिटेन के लिए लगा हुआ है। विच रूल्ड आउट एनी मूव टू एडजस्ट एक्सचेंज रेट, और जो ब्रिटिश रूल था वो किसी भी एक्सचेंज रेट को मूव करने के लिए तैयार नहीं था, उन सबको रूल आउट कर दिया था, क्लियर हो गया। अब यहाँ आ जाओ, यह लिखा है पी में इंडेप्टेड बिजनेस फेल्ड, इंडेप्टेड अभी हमें पहले क्या करना होगा, बिजनेस में ऋण, बिजनेस में डेप्ट लेना पड़ेगा, तब ये आएगा इसके बाद में, तो ये किसी को फॉलो कर रहा है याद रखिएगा, स्टार्ट नहीं होगा। आगे लिखा है कि विद डिवेल्युएशन मेड पॉलिटिकली इम्पॉसिबल, ये जो डिवेल्युएशन किया गया था पॉलिटिकली वो उसने इम्पॉसिबल कर दिया है। अब क्या चीज़ इम्पॉसिबल हुई, ये थोड़ी देर पहले मिलेगी, मतलब इसके पहले हमें लगाना पड़ेगा। फॉल इन एक्सपोर्ट डिमांड,
अब जब आप एक्सपोर्ट डिमांड में कमी आ जाएगी, चीजों को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर भेजते हैं उसमें कमी आ रही है, क्यों? इनकी पॉलिसी ही ऐसी ही थी अंग्रेजों की कि इंडिया से एक्सपोर्ट को डिस्करेज करो और इंडिया में एक्सपोर्ट को एनकरेज करो, ठीक है? इसलिए एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते थे, इंपोर्ट पर को टैक्स फ्री कर देते थे, तो एक्सपोर्ट की डिमांड ही घट गई थी। तो ये हुआ फॉल इन एक्सपोर्ट डिमांड। और ये जो एक्सपोर्ट डिमांड में फॉल आती है वो क्या करती है, लेड टू सस्टेन्ड एडेड डिफ्लेशन। अब ये सस्टेन मतलब बहुत समय तक, एंड ये एंड एंड अलग होगा, एंड डीप डिफ्लेशन, ठीक है? ये एंड अलग है, डीप अलग है, एंड डीप डिफ्लेशन, डिफ्लेशन हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है? क्लियर हो गया, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का अपोजिट है, दाम में गिरावट आ जाती है, ठीक, डिमांड ही खत्म हो गई। तो अगला लिखा इंडेप्टेड हाउस होल्ड्स। अब देखो इंडेप्टेड हाउस होल्ड्स और यहाँ इंडेप्टेड बिजनेस दिया हुआ है, दो चीजों के लिए हमने इंडेप्टेड देख लिया। अब देखिए इंडेप्टेड हाउस होल्ड्स लिक्विडेटेड अ वेराइटी ऑफ एसेट्स, उनके पास जो प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने बेच करके कर्जा चुकाया। टू रीपे लोन्स व्हेन दे कुड, जब भी उनको जरूरत पड़ती थी अपने एसेट्स को बेच करके वो कर्जा चुका रहे थे। आगे लिखा कि रियल इंटरेस्ट रेट रोज। अब जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो रेट बढ़ जाता है, जो इंटरेस्ट रेट है मतलब ब्याज दर काफी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी वजह से? डिफ्लेशन की वजह से ब्याज दर बढ़ जाएगी, ठीक है? तो अब ये जो इनका रेट, इनका जो एक्सचेंज रेट था, ये देखो यहां पर ना एक्सचेंज रेट, अंग्रेजों की पॉलिसी की बात स्टार्ट में हुई है। अब अंग्रेजों की इस पॉलिसी का रिजल्ट किस पर पड़ रहा है? इसका रिजल्ट पड़ रहा है किस पर? क्यू पर पड़ रहा है। क्यू पर क्यों पड़ रहा है? कि इनका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट की डिमांड में फॉल आ जाएगी, एक्सपोर्ट की डिमांड में कमी आ जाएगी। अच्छा, जब एक्सपोर्ट की डिमांड में कमी आएगी मतलब कि क्यू पहले होगा, तो क्यू से कनेक्टेड सेंटेंस कौन सा हो सकता है? एक्सपोर्ट में कमी आएगी। अब जब एक्सपोर्ट में कमी आएगी तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन हो रहा है ना यहाँ पे, देखो डिफ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और लोग चुका नहीं पाएंगे तो अपनी एसेट्स को बेचेंगे, और जब एसेट्स को बेच बेच के लोन चुकाएंगे और वो दिवालिया हो जाएंगे तो बैंक क्या होगी, बैंक वसूल नहीं पाएगी, तो बैंक भी उसी में बर्बाद हो जाएगी, ठीक है? क्लियर हुआ? तो क्यू एस, क्यू से ही स्टार्ट हो पाएगा, क्यू एस आर पी, क्योंकि बाकी चीजें पीछे पीछे आ रही हैं। इस डिफ्लेशन का नतीजा है ये, जो बाकी जो आर एस आर पी में जो कुछ भी कहा गया है, देखो मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं फिर आपको समझाता हूं इसको और अच्छे से, ठीक है? ये तो अभी लिंक करने में इतना सब लग गया। चलिए क्या हो रहा है, देखिए जब इनकी पॉलिसी, इनकी पॉलिसी की वजह से ये जो रूल करने की तैयार, ये जो इनकी पॉलिसी थी उसकी वजह से आता है डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन की वजह से आता है जो हाउस होल्ड है इंडेप्टेड हो जाते हैं, इंडेप्टेड हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी बेचेंगे, लिक्विडेट करेंगे। अब इसकी वजह से अब ये क्या होगा कि जो रियल इंटरेस्ट रेट इसके बाद बढ़ना चाहिए, ठीक है? पहले क्यू के बाद एस होना चाहिए, ये डिफ्लेशन होगा, डिफ्लेशन के बाद रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वो कर्जा लेंगे, और कर्जा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्जा लेने के बाद ये जो बैंक का बिजनेस था वो फेल हो जाएगा, इंडेप्टेड बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और जब इंडेप्टेड बिजनेस बर्बाद हो जाएगा तो बैंक्स आर लेफ्ट विद अनरिकवरेबल, उनको जो बैंकों ने लोन दिया था वो अनरिकवरेबल एसेट हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा आया, ये बी वाला हो गया। आई थिंक सेटिस्फाइड हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर सॉरी 62। आज मैं टू बोलूँ तो समझ लेना 62 है। क्या कहा इन्होंने, देखो एस वन में क्या, कंसीडर द पोटेंशियल इफेक्ट्स, ठीक है? कंसीडर द पोटेंशियल, जो संभावित पॉसिबल इफेक्ट थे, ऑफ जस्ट अ स्मॉल इंक्रीज इन अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अर्थ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाता है तो इसके पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जरा विचार करो, सोचो। अब यहाँ लिखा कि सम डेजर्ट्स माइट रेन एनीवे ब्लूम, कुछ डेजर्ट ऐसे होंगे, कुछ रेगिस्तान ऐसे होंगे जहां हरियाली आ जाएगी, ठीक। अब यहां लिखा है क्यों में, देखो बट लैंड्स नाउ फर्टाइल, लेकिन आज जो फर्टाइल, आज जो उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जगह है, माइट टर्न डेजर्ट। अच्छा, जो उपजाऊ है वो डेजर्ट हो सकता है, और जो डेजर्ट है वहां पर हरियाली आ सकती है, ग्रीनरी आ सकती है। अच्छा, इसमें जो बातें एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही हैं उसमें बट किस में लगा है, क्यू में। बट क्यू में लगने का मतलब हुआ कि हम क्यू को पी के बाद लगाएंगे, पी क्यू का एक पेयर फिक्स हो गया, पी क्यू देख लो कहाँ पे है, यहाँ पी क्यू नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पी क्यू है, ठीक है इसका चांस लेते हैं, यहाँ पी क्यू नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर पी क्यू,
क्यूपी, यहां पे भी तो नहीं है क्यूपी, ठीक है। तो अब यहां भी पीक्यू नहीं है तो हमारा काम बन गया, एक ही में तो ऑप्शन दिया है पीक्यू का। अच्छा, पी के बाद क्यू लगना एकदम पक्का है, खुद ही आप सोच लो, आप अंदाजा लगा पा रहे होगे इस बात का कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी, कह रहे हैं कि डेजर्ट में हो सकता है हरियाली आ जाए, ग्रीनरी आ जाए और कुछ फर्टाइल लैंड डेजर्ट में बदल जाए, और ये विरोधी सेंटेंस में, बट इसके पहले लगा है, ये बाद में आना चाहिए, ये पहले आना है। पी क्यू का क्लोज कनेक्शन है, क्रॉस चेक करना चाहो ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है, क्रॉस चेक करना चाहो करा देता हूँ। चलिए, पहले लिखा है कि आप अर्थ के जो अर्थ में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो उसके संभावित, उसके पॉसिबल इफेक्ट को आप जानिए। तो आर देखो, इन्होंने आर पहले लगाया है तो आर देखो, अराइज इन अराइज ऑफ वनली अ फ्यू डिग्री, यहाँ टेम्परेचर राइज की बात कर रहे हैं ना, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। अब यहाँ कह रहे हैं अराइज ऑफ वनली अ फ्यू डिग्रीज कुड मेल्ट द पोलर आइस कैप्स एंड सबमर्ज द प्लैनेट इन सॉल्ट टाइम, ये इफेक्ट हुआ टेम्परेचर इंक्रीज होने का, और यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज की बात कर रहे हैं। इसके बाद एस देखो, और उसका क्या होगा, फिर रेनफॉल पैटर्न्स वुड चेंज, रेनफॉल पैटर्न बदलेगा, रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा जब, तो जब रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा तभी तो डेजर्ट में हरियाली आएगी, और रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा तो जो हरे भरे क्षेत्र हैं वहाँ रेगिस्तान बन जाएगा। अब ठीक है ना, क्रॉस चेक करने के बाद ये हमें अरेंजमेंट एकदम से करेक्ट आया, ठीक है। अब यहाँ एफ में देखो, एस सिक्स में क्या लिखा, इफ द सी लेवल रोज ओनली अ फ्यू फीट, अभी टेम्परेचर राइज की बात हुई, एक टेम्परेचर राइज की बात हुई, दूसरा रेन का पैटर्न चेंज हुआ, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हुआ, दो, तीसरा कह रहे हैं कि अगर सी लेवल अ फ्यू फीट बढ़ जाता है तो डजन्स ऑफ कोस्टल सिटीज वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड लाइफ वुड चेंज अटरली, ठीक समझ के। अब ये एस सिक्स लास्ट में एकदम से फिट बैठा, तो आपका आंसर यहाँ कौन सा आया, सी वाला। ये टॉपिक थोड़ा स्लो होगा क्योंकि अरेंजमेंट का है, मैं समझा के ही आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आप आराम से समझिए। अब आ जाओ एस सिक्स में, इसमें देखो क्या होगा, आपका जो गलत हो वो चेक कर लो ना, कोई जरूरी नहीं सारे देखो, आपका जो गलत हुआ हो वो चेक कर लो, ठीक है। तो 63 में देखो, इन द एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल की बात है, द किंग्स एंड द रॉयल फैमिलीज हैड देयर ओन बैनर एंड सील, जो किंग्स होते थे, जो रॉयल फैमिलीज होती थी, सबके अपने अपने बैनर, अपनी अपनी सील होती थी, मतलब क्या हुआ, उनके देरी अपनी सबकी मोहर होती थी। अब यहाँ पी में देखो, लिखा ऑल द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली शेयर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज पॉसिबल, जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे सब के सब एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेते, सब शेयर करते थे, ठीक है। चलिए, एक बात हो गई। अब क्यू में कहा कि द रॉयल पैलेस वाज मेंटेन्ड इन अ ग्रेट स्टेट, जो रॉयल पैलेस होता था, जो राजमहल होता था, वो बड़ी ही महान स्टेट में, बड़ी मतलब हाई फाई कंडीशन में उसको मेंटेन किया जाता था। अगला, ये महल के बारे में हो गया, कनेक्ट सेंटेंस नहीं हो रहा है। लिखा है द किंग वाज इन थ्योरी एन ऑटोक्रेट, थ्योरी इन थ्योरी लिखा, इन थ्योरी मतलब सैद्धांतिक तौर पर एज अ रोल किंग जो था वो ऑटोक्रेट हुआ करता था। अब लेकिन सारे मेंबर्स का उसमें रूल में शेयर होने का मतलब क्या हुआ, किंग थ्योरी में ऑटोक्रेट है लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। आगे लिखा कि देयर वाज अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस द किंग, अब देयर अगर अपॉर्चुनिटीज हैं किंग को इन्फ्लुएंस करने का, तो इसका मतलब इन रियल सेंस किंग वाज नॉट एन ऑटोक्रेट, ठीक है। अब आगे लिखा है कि आगे इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज बनाने में वो ऑटोक्रेट नहीं था, इन्फ्लुएंस भी होता था दूसरों का। तो दो बातें, एक इन थ्योरी में वो ऑटोक्रेट था और उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, तो ऑटोक्रेट होना पहले कर दो, उसके पास उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, कौन कौन लोग उसको रेगुलेट करते थे, कौन कौन पॉलिसीज में शेयर किया करते थे, किनका उस पर नियंत्रण होता था, कौन लोग उसको इन्फ्लुएंस करते थे, ये चीज हम बाद में लगा देते हैं। तो इस आधार पर जो हमारा सिस्टम बन रहा है वो कौन सा आया, हम इसको क्यू को अलग रख दे रहे हैं कि राजा के महल की बात को एकदम किनारे कर दो, क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये नॉट रिलेटेड पार्ट हो गया, बाकी सब रिलेटेड हैं। ये ऑल द मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किंग ऑटोक्रेट है और लोग उसको इन्फ्लुएंस भी करते थे, इसमें आर को पहले कर लो, आप आर को पहले कर लो और बाकी चीजें
बाद में कर लेते हैं, तो आर के बाद पी कर दो। सरकार परिवार के सारे मेंबर्स उसमें पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे उनकी, और ऐसे भी अवसर आते थे, ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज आती थी जब पॉलिसी मेकिंग में उनके ऊपर इन्फ्लुएंस लोग किया करते, तो इसको बाद में कर दो। मतलब आरपीएस का कनेक्शन पक्का है, आरपीएस के बाद में अगर आप चाहते हो तो क्यों लगा सकते हो, और आरपीएस के पहले भी क्यों लगा सकते हो। तो पहले हम एक आरपीएस का पेयर लेंगे, ठीक है ना। और अगर एंड देखो तो क्या लिखा है, सो द हाई ऑफिशियल्स कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द डिसेंट एबिलिटी एंड कैरेक्टर, ये चीज आ गई। तो ये वाला भी आरपीएस से ही कनेक्ट हो रहा है, क्लियर। तो पहले आप आरपीएस ढूंढो, तो ये आरएसपी लिखा हुआ नहीं होगा, ये भी आरपीएस नहीं है, ये हाँ सॉरी ये तो आरपीएस है, गलत कर दिया हमने, ये आरपीएस है, ठीक है, इसी में तो आरपीएस देखने को मिल रहा है, तो इसके चांस है। यहाँ पे आरपीएस नहीं है, यहाँ पे आरपीएस नहीं है, बस एक ही चांस बच रहा है हमका। हमने ये बोला था कि क्यों आप महल के बारे में चाहे शुरू में बताओ चाहे लास्ट में बताओ। अच्छा, शुरू में ही बताना ज़्यादा ठीक होगा, क्यों, क्योंकि देखो शुरू शुरू में यहाँ पे रॉयल फैमिली के बैनर वगैरह और सील वगैरह की बात हो गई, फिर उनके महल की बात कर लो, क्योंकि S6 और RPS के बीच में अगर हम महल की बात लाएंगे तो वो इररिलेवेंट हो जाएगी, इसलिए इट इज़ बेटर टू पुट क्यू इन द स्टार्टिंग, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आंसर भी आपका हो गया, आई होप यू हैव बीन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 64 में क्या है, देखो बहुत बड़ा था तो मैंने इसको छोटा कर दिया है, पढ़ते हैं। देखिए लिखा है द राइज ऑफ ईस्ट एशिया इन द लेट 20th सेंचुरी में अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ मोर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट देन द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, ठीक समझ गए होगे। अब S6 को बाद पढ़ेंगे, लिखा है कि इन द फाइनल टू डिकेट्स ऑफ द 20th सेंचुरी के फाइनल टू डिकेट्स की बात है, और यहाँ पे क्या है लेट 20th सेंचुरी, ठीक है वही बात होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑन द वेस्टर्न रिम ऑफ द पैसिफिक बेसिन वर बिटवीन 2 और 4 times हायर देन दोज इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज। ये जो ये वाली बेल्ट थी पैसिफिक बेसिन वाली, यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो करीब 4 गुना ज़्यादा थी डेवलप्ड इकोनॉमीज की अपेक्षा, ठीक है ना, यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की डेवलप्ड इकोनॉमी से यहाँ 4 गुना ज़्यादा ग्रोथ रेट थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि कम हो गया, आगे आ जाओ क्यों में देखो, द वाइड स्प्रेड अजम्पशन हैज बीन द मॉडर्नाइजेशन मीन्स वेस्टर्नाइजेशन। एक जो वाइड स्प्रेड अजम्पशन है, धारणा है, वो ये है कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब वेस्टर्नाइजेशन होता है, ये एक बहुत ही वाइड स्प्रेड अजम्पशन है। आगे कहा इन्होंने कि सर्टनली द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी शिफ्टेड मार्केटली फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट इन दिस पीरियड। इस पीरियड में जो इकोनॉमी थी वो मार्केटली वेस्ट से ईस्ट की ओर शिफ्ट होती है। अब इन्होंने कहा हाउएवर का मतलब क्या हुआ, ये किसी के अगेंस्ट जाएगा। द नोशन दैट देयर इज डिस्टिंक्टिवली ईस्ट एशियन पोलिटिकल फॉर्म इज लेस फेमिलियर वन, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो एस है वो किसको काउंटर कर रहा है, ठीक है, एस किसको काउंटर कर रहा है, तो एस काउंटर कर रहा है क्यू और पी को। और एक बात ध्यान देना, एस के बाद क्यू लगना तय है, ठीक, मैं एस के बाद क्यू लगना तय क्यों बोल रहा हूं, अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखो एस में लिखा है कि हाउएवर द नोशन है नोशन दैट देयर इज डिस्टिंक्टिवली ईस्ट एशियन पोलिटिकल फॉर्म इज लेस फेमिलियर वन। अब उसके बाद आ जाओ, एक तो यहाँ पर क्या हुआ लेस फेमिलियर, ये हो ना लेस फेमिलियर, अब यहाँ क्या हुआ वाइड स्प्रेड अजम्पशन, अब ये जो वाइड स्प्रेड अजम्पशन है वो लेस फेमिलियर वाले के अगेंस्ट जा रहा। अच्छा, हमें हाउएवर के बाद एक काउंटर पार्ट चाहिए था जो उसको उसके अगेंस्ट जाए, तो एस के बाद क्यू लगना तय हो गया है, एक लिंक हमारा कंफर्म हो गया, तो एस क्यू वाले लिंक को पहले हम फाइनल सॉर्ट आउट कर लेते हैं, देखते हैं किसमें है। एस क्यू इसमें नहीं है, हम जानते हैं कि एस के बाद क्यू होना तय है, इसमें भी नहीं है, एस क्यू इसमें भी नहीं है, एस क्यू केवल इसी में है। अब इन केस ऑफ क्लियर द डाउट हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, एस क्यू हमारा तय हो गया, आर पी देखते हैं शुरू में लगता है कि नहीं लगता है।
आर का मतलब यहाँ एस वन में कहा कि द राइज ऑफ ईस्ट एशिया इन द लेट 20th सेंचुरी में अल्टीमेटली प्रूव टू बी मोर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट देन कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। फिर आर में आ जाओ, सर्टेनली द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी शिफ्टेड। यहाँ पर भी वही बात हो रही है ना, ईस्ट और वेस्ट के कंपेरिजन की और इकोनॉमिक बैलेंस की, और आर में भी वही कह रहे हैं, सर्टेनली द बैलेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी शिफ्टेड मार्कली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन दिस पीरियड। इसी पीरियड की, इन दिस पीरियड किस पीरियड की बात है, वही लेट 20th सेंचुरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो दिस पीरियड आया है वो तो एस वन के बाद आर कनेक्ट हो ही रहा है, आर से स्टार्ट कर ले रहे हो, प्रूफ हो गया। और उसके बाद अगर पी देना चाहो तो यही पे इन दिस पीरियड का, और यही इन्होंने कहा लास्ट फिफ डिकेट्स की भी बात कर दी, तो क्यू के बाद पी लगा दो, मतलब आर के बाद पी लगा दो, ये भी पक्का हो गया। तो अब इसका मतलब हुआ कि अब हमारा ये फाइनली प्रूव्ड हो गया। जब हमको दो लिंक मिल जाते हैं, दो लिंक के आधार पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखने के बाद उसको क्रॉस चेक कर लो, पढ़ के देख लो, अगर उठ पटांग या बहुत ऑड लग रहा हो तो नहीं, मैं तो नहीं, तो अगर आपको सेट मिल रहा है तो ठीक है, इससे आपका समय बच जाएगा एग्जाम में और सियोरिटी रहेगी, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 65 में। 65 में देखो एस वन में क्या दिया हुआ कि इन्होंने कहा मणिपुर हैज अ लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री फ्रॉम बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन इरा। क्रिश्चियन इरा सन 1 में शुरू होता है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, अभी इसको छोड़ के अभी यहाँ चल रहे हैं, यहाँ हम लास्ट में कनेक्ट करेंगे। यहाँ 1947 और 1949 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 1891 दिया हुआ है, यहाँ 1819 और 1826 दिया हुआ है, यहाँ 33 AD दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, देन मणिपुर केम अंडर द ब्रिटिश रूल। अब 1891 में तब मणिपुर ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, द इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेंटी रिमेन्ड अनइंटरप्टेड अंटिल द वर्मीज इन्वेशन एंड ऑक्यूपेशन फॉर अराउंड 7 years। वर्मीज इन्वेशन का मतलब जब वर्मा के लोगों ने अटैक किया था, तब तक वहाँ की सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता बनी हुई थी, राजा का अस्तित्व बना हुआ था। अराउंड 7 years इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1819 और 1826 के बीच की बात है ये। अगला लिखा है कि द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मणिपुर कुड बी ट्रेस्ड बैक। अब ये पॉलिटिकल हिस्ट्री, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मणिपुर की हिस्ट्री की बात की जा रही है, और इन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन इरा के बिगिनिंग से है। अब यहाँ कह रहे हैं कि आरवे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मणिपुर कुड बी ट्रेस्ड बैक टू 33 AD। 33 AD का मतलब हुआ सन 33 ईस्वी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, अब आगे कहा विद द कोरोनेशन ऑफ नोंडा लेरन पखांडव, ये वहाँ के राजा हुए थे, इन्हीं का जब राजतिलक हुआ था तब से शुरू होता है, तब से मणिपुर राज्य रियासत की बात हो रही है। तो ये पहला सेंटेंस। आर क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट में कर लेते हैं सबसे पहले आर, तो देखते हैं आर कितने में है। आर हमारा 2 में हुआ है। ठीक है, ये 2 में आर है, इन दोनों में आर नहीं है, ये स्टार्टिंग हो गई ना। यहाँ इन्होंने बताया कि ईस्वी सन की शुरुआत और यहाँ 33 ईस्वी की बात हो रही है। अब इन्होंने कहा कि एस में देखो, आफ्टर पखांडवा अ नंबर ऑफ किंग्स रूल ओवर किंगडम ऑफ मणिपुर, इनके बाद बहुत सारे राजा यहाँ पर कार्य राज्य करते हैं। तो आर के बाद देखो एस दोनों में ही दिया हुआ है आर एस। ठीक है, दोनों में आर एस दिया हुआ है। अब बात आती है पी पहले होगा या क्यू पहले होगा, तो पी क्यू में सन देख लो, पी में सन दिया है 1891 और क्यू में सन दिया है 1819, तो इसका मतलब क्यू पहले होना चाहिए और पी बाद में होना चाहिए। क्लियर, लॉजिक समझ में आ रहा है ना। और एस सिक्स में क्या है, 1947 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप क्यू पहले कर दो, क्यू पहले करोगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। पी पहले मत करना, क्योंकि पी में बाद की बात है, पी में 1891 की बात है और क्यू में 1819 की बात है। इज दैट क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 66, इसमें देखो क्या, इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज फॉर इरीगेशन। ठीक है, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आगे लिखा है द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ कंट्री आर डिफिशियंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। जो बहुत बड़ा एरिया है देश का, बड़े ट्रैक्ट एरिया का अपने देश का, कंट्री का, क्या है, डिफिशियंट इन रेनफॉल, वहाँ बारिश कम होती है और वहाँ ड्रॉट प्रोन है। ड्रॉट प्रोन का मतलब क्या हुआ, अक्सर सूखा पड़ता है, अगर वो अक्सर वहाँ ड्रॉट पड़ता है। ठीक, आगे लिखा कि विंटर एंड समर सीजन्स आर मोर आर लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। उसी पार्ट की बात हो रही है। इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल।
जो हमारे देश में रेनफॉल की वेरिएबिलिटी है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं इसी के लिए इरीगेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब आगे लिखा है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड डक्कन प्लेटू कंस्टिट्यूट सच एरियाज। अब ये सच एरियाज किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, आप विच स्टेटमेंट, सच एरियाज आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ये ड्राट प्रोन, ये ड्राट प्रोन एरियाज का एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। चलिए कन्फर्म करते हैं इसको, मतलब पी के बाद एस का कॉम्बिनेशन श्योर है, ये डेफिशिएंट ऑफ इन रेनफॉल और ड्राट प्रोन एरिया, तो पी के बाद उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है एस में। पहले आप पी एस ढूंढो, ये यहाँ पर पी एस मिल गया, यहाँ पर एस पी मिला है होगा ही नहीं, यहाँ पर एस पी मिला है होगा नहीं, यहाँ पर पी एस नहीं मिला, आपके पास एक ऑप्शन मिला है, क्लियर है, आप क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट करें हम लोग 67, मैं श्योर हूँ उतने पे, आप चेक कर लो क्रॉस करके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, एस वन में देखो, विजयनगर, विजयनगर को ही कहते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री, वाज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एम्पायर, ठीक, विजयनगर राजा कृष्ण देव राय का, ठीक, आपको याद होगा, हिस्ट्री पढ़े होंगे। इन दिस इन इट्स हेडे, हेडे का मतलब क्या हुआ, जब इनके उत्कर्ष का दिन था, जब इनके क्लाइमेक्स का दिन था, जब इनके दिन थे, अच्छे दिन थे इस एम्पायर का, इन इट्स हेडे इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला, मतलब रामेश्वरम तक यही इनका साम्राज्य फैला हुआ था, कृष्णा नदी के साउथ में पूरा। लिखा है द एम्पायर वॉज फाउंडेड इन द 14th century, इस जो ये जो एम्पायर था इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, हरिहर भुक्का दो भाई थे, उन्होंने 14th century में इस राज्य की नींव रखी थी। अब ये 14th century के बाद की बात हो गई, ठीक है। लिखा इन 1565 द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड एंड सब्सिक्वेंटली डेजर्टेड। अभी ये हम ये गुड डेज चल रहे हैं, उनके अच्छे दिन चल रहे हैं, अब यहाँ से बुरे दिन शुरू हो गए। Although it fell, मतलब यहाँ पे R में इसका क्या होता है, डाउनफॉल होता है। अब S में कह रहे हैं कि भले ही डाउनफॉल हुआ, लेकिन इसके ट्रेसेस अभी भी, इसके मेमोरीज आज भी हैं, तो मतलब R के बाद S लगाना बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है, ये R के बाद S लगाना बनता है। और P जो बनेगा, मतलब ये जो QP हैं, P और Q, यहाँ लिखा है पहले इस एम्पायर की फाउंडेशन 14th century में रखी गई। अच्छा, जब फाउंडेशन रखोगे तो फाउंडेशन के बाद ही तो कहोगे, जब ये इसके विस्तार का था इसका कहाँ से कहाँ तक, पहले फाउंडेशन उसके बाद विस्तार, ये है ना, पी में विस्तार दिया है, तो ये पक्की बात है कि क्यू के बाद पी आएगा, आर के बाद एस आएगा। तो आर में क्या हो रहा है, आर में इसका फॉल हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, और पी में क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कि क्यूपी के बाद आरएस लगाया जाए, तो क्यूपी के बाद आरएस लगाया जाए, तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो गया, थ्री वाला हो गया, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में क्या करना है बच्चा, देखो S1 में देखिए, ड्यूरिंग द पास्ट टू डिकेट्स, पिछले दो डिकेट्स के दौरान मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन बोथ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स हैव फेस्ड ड्रामेटिक चेंजेस इन देयर बिजनेस एनवायरमेंट, एक हो गया। लिखा है अब यहाँ दी चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो मतलब पहले कहीं चेंजेस वेंजेस की बात आएगी तब इसको लगाएंगे, बाद में पढ़ेंगे। लिखा है टू सक्सीड इन टूडेज हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, टूडेज हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, ये ध्यान दीजिए, मार्क करिए, आज के बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में, अभी हमें इसको बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। इसके लिए कंपनीज हैव मेड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ओवरराइडिंग प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे किसका रखा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को रखा। अब क्यों है कि दे हैव आल्सो अडॉप्टेड न्यू मैनेजमेंट अप्रोचेस, आल्सो लिखा है ध्यान दीजिए, आल्सो का मतलब उन्होंने अपने बिजनेस को ठीक करने के अलावा एक और क्या किया इन्होंने, आल्सो क्या अडॉप्ट किया, ये ध्यान रखिएगा, आल्सो अडॉप्ट करने का मतलब हुआ कि एक ये दूसरी पॉलिसी होगी, एक पॉलिसी उसके बाद ये आल्सो पीछे से फॉलो करता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव चेंज्ड देयर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये है इन्होंने चेंज किया अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, एंड इन्वेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजी, और इन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो पी के बाद तो क्यू लग रहा है, ठीक है ना,
पी में देखो, पी में क्या करा इन्होंने, इन्होंने उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी और आल्सो नई नई टेक्नोलॉजी इन्होंने अप्रोच की। तो पी के बाद क्यू तो लग रहा है एक पेयर हमारा बन गया। अब हमें यह देखना है आर और एस को भी तो पढ़ लें, ठीक है। चलो आर और एस अगले वाले पेज में मिलेंगे, चूंकि बहुत बड़ा था तो मैंने अलग कर दिया इसको। आर में देखो क्या लिखा है, डीरेगुलेशन एंड एक्सटेंसिव कंपटीशन फ्रॉम ओवरसीज, बाहर से बहुत ज्यादा मतलब बहुत एक्सटेंसिव कंपटीशन पड़ रहा था इनको ना, वही तो टू डेज कंपटीशन वाला मिल गया ना हमको, इन जो टू डेज कंपटीटिव वर्ड है यही है एक्सट्रीम एक्सटेंसिव कंपटीशन। मतलब ये हुआ आर वाला पोर्शन जो होगा वो हमारे उस वाले के पहले आना चाहिए किसी भी कीमत पर। अच्छा तो इन्होंने कहा ओवरसीज कंपनीज इन डोमेस्टिक मार्केट्स हैव रिजल्टेड इन अ सिचुएशन इन विच मोस्ट कंपनीज नाउ ऑपरेट इन अ हाईली कंपिटिटिव ग्लोबल मार्केट, ठीक है मिल गया हमको। अब देखें एट द सेम टाइम ठीक उसी तरह से देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अराइजिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड नीड टू मीट इंक्रीजिंगली डिस्क्रिमिनेटिंग कस्टमर डिमांड, ठीक है। चलिए तो आर के बाद इसी के बाद ये जो लिखा है एट द सेम टाइम मतलब ठीक उसी समय, तो ये आर के साथ एस का पेयर बन रहा है, ठीक। एक हमारा आर के बाद एस का पेयर बन रहा है और आर जो है वो क्या कर रहा है, वो टू डेज कंपिटिटिव वर्ल्ड को लीड कर रहा है, मतलब उसके पहले आ रहा है। तो हमारा काम गया बन, ये जो पी में कहा है टू डेज कंपिटिटिव वर्ल्ड, ये पी में टू डेज कंपिटिटिव वर्ल्ड कहां चला गया, ये है टू डेज कंपिटिटिव वर्ल्ड, ये जो टू डेज कंपिटिटिव वर्ल्ड लिखा है ये वही आर वाला जो कंपिटिटिव वर्ड है वहीं से तो मिल रहा है। तो हमें आर एस हमें पक्का मिला था, आर एस के बाद अब क्या मिल रहा है, पी क्यू मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा 68 में आर एस पी क्यू ऑप्शन देख लेते हैं कहां है आर एस पी क्यू का, कोई है आर एस पी क्यू, ये मिला है आपको आर एस पी का, ये ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 69 में क्या करना है, ग्रेगर जॉन मेंडल वाज बोर्न ऑन July 22, ठीक ऑस्ट्रेलिया में ये पैदा हुए थे, इनके पैदा होने से रिलेटेड है। अब और आगे देखते हैं क्या होगा, S6 में बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी तो किए नहीं, तो हम जब एक्सपेरिमेंट ये कर लेंगे तब उसको लगा देंगे, मतलब इससे S6 के पहले उनके एक्सपेरिमेंट लगाने हैं। हिज पायनियरिंग वर्क, उनका जो मुख्य वर्क था मेन काम था वो क्या था, हिज पायनियरिंग वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ साइंस ऑफ जेनेटिक्स एंड देयरफॉर ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो उनका जो काम वाम होगा इनके बारे में बताया जा रहा है इसमें कि मतलब वो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ पैदा हुए थे और उन्होंने क्या काम किया था, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हम पी उनके परिचय के रूप में रख सकते हैं, अगर उनका इंट्रोडक्शन के रूप में रखेंगे तो पी स्टार्टिंग में आ सकता है, मतलब पी इसके बाद लगा सकते हैं क्योंकि ये इनका इंट्रोडक्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल का, ठीक है। चलो ये इंट्रोडक्शन में रख देंगे। लिखा है कि देयर ही वाज एक्सपोज्ड, देयर मतलब कहाँ, अभी तो कहीं जाना है, जगह है ना, देयर ही वाज एक्सपोज्ड टू लैब फैसिलिटी उनको कहाँ मिलेगी, अभी ये चीजें हमको मिली नहीं है। इन रिसर्च एंड टीचिंग आगे लिखा, इन 1843 माइक मेंडल बिगेन स्टडिंग इवन वाइल बीइंग अ मोंक एट सेंट थॉमस मोनेस्ट्री। तो सेंट थॉमस मोनेस्ट्री में मोंक थे, मोंक मतलब एक संत थे, सन्यासी थे, वहाँ पे इनको पढ़ने का मौका मिला। अच्छा तो जहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा वहीं पे लाइफ फैसिलिटी इनको मिली होगी, तो इसका मतलब हम कि आर के बाद क्यों लगा लें। हिज एक्सपेरिमेंट्स फोकस्ड ऑन, अब जहाँ लैब मिलेगी, ये जो लैब फैसिलिटी मिली ना, लैब फैसिलिटी में वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इसके बाद यस लगा देते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट्स पर, ये एक्सपेरिमेंट्स पे इनके है ना बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, S6 लगा देंगे। तो मतलब लास्ट में RQS हमको लास्ट में चाहिए, RQS लास्ट में, ये देखो RQS लास्ट में चाहिए क्योंकि S6 इस इनके एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट होगा, तो फिर यही वाला लगा लेते हैं। पी को मैंने कहा ही था कि इनके इंट्रोडक्शन में ऐड कर लेंगे, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है भाई, देखो महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड इनवाइट नेशन। जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था तो गांधी जी को ये लगा कि ये एक अच्छा सिंबल हमको मिल जाएगा नमक के रूप में, जिसे हम पूरे देश को यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि नमक हर कोई यूज करता है, इसका प्रभाव इसका इफेक्ट हर किसी पर पड़ेगा। खैर चलिए अब देखो, यहाँ देखो लिखा ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स।
उन्होंने वायसराय इरविन को 11 डिमांड से मतलब वाला एक लेटर लिखा था उनको, ठीक है, ये पहली घटना हुई, ठीक है, पी वाली। उसके बाद द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग, जो आइडिया था उनका वो ये था कि डिमांड्स, यहाँ भी आए डिमांड्स, ठीक है, यहाँ भी आई हैं डिमांड्स, ध्यान रखिएगा ये कनेक्टिंग वर्ड्स होंगे। आइडिया क्या था कि जो डिमांड्स है वो वाइड रेंजिंग होना चाहिए। अच्छा, इसलिए क्या हुआ कि ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई देम एंड एवरी वन कुड बी ब्रॉट टूगेदर इन द यूनाइटेड कैंपेन, ठीक है। इसमें देखो, साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक, ये ऐसी चीज थी जिसको अमीर और गरीब सब लोग खाते थे, और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ द फूड, और ये खाने का सबसे एसेंशियल आइटम भी है। आगे लिखा है कि द मोस्ट स्टारिंग ऑफ ऑल द डिमांड ऑफ एबोलिश द साल्ट टैक्स। अब इसमें सबसे मतलब स्टारिंग डिमांड क्या होती, मतलब बहुत सारी चीजें थी, अब ये जो 11 थी, 11 डिमांड, उसमें से मोस्ट स्टरिंग डिमांड कौन थी, साल्ट वाली। तो आई थिंक कि हम पी के बाद एस लगा दें। अच्छा, नमक को क्यों रखा गया था, ये भी उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिलहाल आपका क्या हो रहा है कि पी के बाद एस लगाएं या पी के बाद क्यू लगाएं, क्योंकि यहां भी है आइडिया वाज टू मेक डिमांड्स वाइड रेंजिंग। हाँ, ठीक है, पी के बाद क्यू होगा, क्यू के बाद एस लगेगा। अब पूछो क्यों, देखो पी में गांधी जी ने इरविन को 11 डिमांड्स लिखी, आइडिया क्या था कि ये जो डिमांड्स हैं वाइड रेंजिंग होनी चाहिए, मतलब अमीर गरीब सबको जोड़ें। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गई, नमक की, क्योंकि ये सबको प्रभावित करेगी, अमीर गरीब सभी लोग खाते हैं इसको, इसके बाद हम आर लगा देंगे, ठीक है ना, अमीर गरीब सभी लोग खाते हैं, तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, पी क्यू एस आर लगा दीजिए आप, ठीक, क्लियर हो गया। आई होप कि सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाला मैटर भी है। अब इसके बाद जो कुछ है वो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, ये है एंटोनीम का। एंटोनीम में क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको एंटोनीम आपको बताना है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, देखो इसमें दिया हुआ है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, इनसार्ट, संक्षिप्तता होती है। कोई चीज़ जब हम इनसार्ट लिख लेते हैं या कर लेते हैं तो होता है ब्रेविटी। ब्रीफ सुना है ना आप लोगों ने, ब्रीफ मतलब संक्षेप में कोई चीज़, तो ब्रीफ से ब्रेविटी बनी है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, संक्षिप्तता, ठीक है। एक क्या कहते हैं, इडियम है ये। अब कंसीजन, कंसाइज करना, कंसीजन किससे बना है, कंसाइज फार्म। कंसाइज फार्म क्या होता है, बहुत संक्षिप्त फार्म होता है ना, तो ये तो सिमिलर हो गया, सेम हो गया। इकोनॉमी में मतलब होता है कम चीज़ों, कम वर्ड्स का इस्तेमाल करना, इकोनॉमी, ये भी साइनोनिम हो गया, ठीक है। टर्सनेस का मतलब भी होता है इन ब्रीफ, ये भी सिमिलर हो गया। तो ये तीन तो सिमिलर हो गए भाई, ठीक है। अब ये बता, वर्बोसिटी, वर्बोसिटी का मतलब क्या हुआ, यूज ऑफ एक्सेसिव वर्ड्स, जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का यूज कर रहे हैं आप, यूज ऑफ एक्सेसिव वर्ड्स, ये वर्बोसिटी, यही आपका एंटोनीम हुआ किसका, ब्रेविटी का। इज दैट क्लियर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक स्मूथ पेस्ट। ब्लेंड का मतलब क्या होगा, मिक्स कर दो, ग्रेन्स को मिक्स कर दो स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए, मिक्सर कर बना देना, मिक्स करना। सेपरेट क्या हो गया, उसका एंटोनियम हो गया अलग अलग करना। मिंगल का मतलब क्या होता है बेटा लोग, मिक्स करना होगा। कोलेस का मतलब क्या होता है, वो भी मिक्स करना होता है, एक में मिला देना होगा। एमल्जमेट का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से सबको एक में मिला देना होगा, मिक्स करना ही होगा। बहुत सिंपल वर्ड में मैंने आपको बता दिया मिक्स, इनकी टेक्निकल मीनिंग नहीं बताई है, मीनिंग आपको जानना, तो मिक्स करना, ब्लेंड माने मिक्स करना। तो देखो ये सब के सब क्या हो गया, साइनोनिम हो गया, यही एक बचा आपका एंटोनिम फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका है 73 में क्या है, कंसिडरेबल। कंसिडरेबल मतलब विचार योग्य, लेकिन अमाउंट के लिए लगा हुआ है, तो क्या होगा, एनफ। कंसिडरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, एनफ अमाउंट होगा, ठीक। देखो द प्रोजेक्ट वेस्टेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी, क्लियर हो गया। एनफ मतलब काफ़ी समय बर्बाद हुआ, तो काफ़ी में सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, सब्सटेंशियल का मतलब भी वही होता है एनफ। और ट्रिफलिंग का मतलब क्या होगा, बहुत कम, बहुत कम, मतलब ट्रिफलिंग का मतलब ये समझ सकते हो लिटिल, ठीक है, ना के बराबर। प्लेंटीफुल का मतलब क्या हो गया, मच, बहुत ज़्यादा। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। इनका दोनों का मतलब हो जाता है अलॉट ऑफ, ठीक है, आप समझ गए। तो
ये एनएफ भी ज्यादा है, अलर्ट ऑफ भी ज्यादा है, अब ये एनएफ भी ज्यादा है, तो आपका एंटोनियम क्या होगा? ट्रिफलिंग होगा, ट्रिफली है, मेजर है, प्रिटी है, ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 74 में क्या है? डिसडेनफुल। अब देखो पढ़ के, क्योंकि कंटेक्सुअल है ना, तो ये किस कंटेक्स्ट में आया है। सी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ द पीपल हु हैव नॉट बीन टू कॉलेज। कोई लड़की है, वो उन लोगों के प्रति बहुत डिसडेनफुल है, ठीक है, टुवर्ड्स देम हु हैव नॉट बीन टू कॉलेज, मतलब हु हैव नेवर वेंट टू कॉलेज, वो जो कभी कॉलेज नहीं गए हैं, उनके लिए, जो कभी जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए डिसडेनफुल का मतलब, डिसडेनफुल का मतलब क्या होता है? डिसरेस्पेक्टफुल, वो उनका सम्मान नहीं करती, उनको अपमान की नज़र से देखती है, तो ये हो गया डिसरेस्पेक्टफुल, ठीक है। आ जाओ अब डिसरेस्पेक्टफुल में, कंटेम्पचुअस का मतलब क्या होता है? हम जो दूसरों से नफरत करते हैं, एक वर्ड ले लो यहाँ से, कंटेम्प्ट, ये इतना ले लो। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? किसी से हेट करना। कंटेम्पचुअस का मतलब क्या हुआ? हेटफुल है, हेट करती है। डिसमिसिव का मतलब क्या होता है? जो किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, डिसमिस करता है उसको, ठीक है, तो ये चीज हो गई। स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? जो किसी का मजाक उड़ाता है, लाफ एट, किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, ये होता है लाफ एट, स्कॉर्नफुल। अब ये भी निगेटिव सेंस में ही जा रहा है, जो किसी का मजाक उड़ाएगा वो किसी की रिस्पेक्ट तो करेगा नहीं, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? साइनोनिम हो गए। अब रिस्पेक्टफुल क्या हो गया? अब मैंने कहा था डिसडेनफुल का होगा डिसरेस्पेक्टफुल, तो रिस्पेक्टफुल क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा, तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 75 में, 75 में फ्रूगल है, पढ़ के देख लो, ही हैड अ फ्रूगल लंच। एक्चुअली जो फ्रूगल होता है वो क्या होता है? मितव्ययी। मितव्ययी नहीं समझ पाए होगे, मितव्ययी का मतलब होता है एक इकोनॉमिक पर्सन होता है, जो किसी चीज को, जो पैसे को बहुत बचा बचा के खाता है। ही इज नॉट माइजरली बट ही स्पेंड्स मनी वेरी इंटेलिजेंटली, वो पैसे को बचा बचा के खर्च करता है, फ्रूगल होता है, ठीक है, कम खर्च करता है। अब यहाँ फ्रूगल लंच का मतलब क्या होगा? तो लंच बचा बचा के खाने का मतलब, यहाँ लेकिन क्या हो गया, यहाँ लिटिल हो जाएगा, लेस अमाउंट के लिए आ जाएगा ना, मतलब फ्रूगल लंच का मतलब खाना उसके पास ज़्यादा नहीं था, ठीक है। अब ये इसके लिए आ जाओ, लेस अमाउंट। स्पेयरिंग का मतलब क्या होगा? स्पेयरिंग वही फ्रूगल हो जाता है, जो पैसे बचाता है। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या हुआ? ये फिजूल के लिए लगता है, फिजूल खर्च, मतलब जरूरत से ज्यादा, वेस्टेज के सेंस में आता है, ठीक है, ये क्या होगा? वेस्टेज में। और वहां लंच कैसा है? वहां लंच कैसा है बताओ? वहां लंच क्या है? बहुत फ्रूगल है, ठीक है, तो और ये वेस्टेज है, तो यही आपका एंटोनियम हो जाएगा। मेजर का मतलब वही हो जाता है, मेजर का मतलब क्या होता है? अभी जो थोड़ी देर पहले आया था ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब क्या हुआ? बहुत ही कम के लिए आएगा ये ट्रिफल, वेरी लिटिल अमाउंट के लिए आता है। डेलीशियस टेस्ट के लिए आता है, स्वादिष्ट है ये, क्लियर हो गया, तो इसका कोई रिलेशन है, नॉट रिलेटेड है। और ये क्या हो गया? साइनोनियम हो गया। स्पेयरिंग क्या हो गया? साइनोनियम हो गया। एक्स्ट्रावेजेंट क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 76 में, 76 में इटिनरेंट क्या होता है? तो ही इज फोर्स्ड टू लीड एन इटिनरेंट लाइफ। इटिनरेंट एक्चुअली क्या होता है? देखो इटिनरेरी एक वर्ड होता है, इटिनरेरी का मतलब होता है डिटेल ऑफ योर जर्नी, तो ये इटिनरेंट जर्नी से रिलेटेड है। अब इटिनरेंट लाइफ होगा तो मतलब क्या होगा? अ पर्सन हु इज ऑलवेज इन जर्नी, अ पर्सन हु हैज नॉट परमानेंट सेटलमेंट, अ पर्सन हु हैज नॉट परमानेंट हाउस, एक व्यक्ति जिसका अपना कोई परमानेंट घर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकता रहता है, उसको हम कहते हैं इटिनरेंट लाइफ जी रहा। तो वैग्रेंट का मतलब क्या होता है? वैग्रेंट मतलब एकदम आवारा, बेघर बार वाला होता, तो ये भी वही होगा, सिमिलर हो गया। रोविंग का मतलब भी वही होगा, घुमक्कड़ टाइप का। सेटल्ड का मतलब क्या हुआ? एक परमानेंट घर है, एक स्थायी निवास है, तो ये एंटोनियम हो जाएगा। नोमेडिक का मतलब बंजारे टाइप के लोग होते हैं, एंड यू नो बंजारा कौन होते हैं? जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ डेरा डाले घूमते रहते हैं, तो ये नोमेडिक हो जाते हैं, बंजारे होते हैं। एक और वर्ड है इनके लिए जिप्सी, अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, जिप्सी मतलब बंजारे, नोमेडिक, ठीक है, तो ये भी साइनोनिम में आ जाएगा। कितने वर्ड है? इटिनरेंट लाइफ हो गया, वैग्रेंट लाइफ है, रोविंग लाइफ है, नोमेडिक लाइफ है, कितने साइनोनिम मिल रहे हैं, नोट करते रहो सबका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 77 में, मैलिशियस, हिज मैलिशियस इंटेंशंस वर अबॉर्टेड। अबॉर्ट का मतलब क्या हुआ? फॉइल्ड। फॉइल्ड का मतलब देखो, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा, जो मतलब उसकी प्रेगनेंसी किसी तरह से खराब हो जाती है, गर्भपात हो जाता है, अबॉर्शन। अच्छा, किसी का इंटेंशन अबॉर्ट हो जाता है, किसी का प्लान अबॉर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लान खराब हो गया, अबॉर्ट हो गया, फॉइल हो गया,
ठीक है ना, ये होता है फॉइल करना, ये होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए मैलिशियस इंटेंशन। अब मैलिशियस का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है, रूट वर्ड है मैल, इसका मतलब हमेशा विग्ड होता है या बैड होता है, ठीक है, विग्ड या बैड होता है। इसी का अपोजिट होता है बेन, BENE, ठीक है ना। तो मैलिशियस अगर लगा दोगे तो मैलिशियस का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हेट्स अदर्स, अ पर्सन हु इज जेलस टू अदर्स, ठीक है, ये विक्ड के सेंस में आ जाएगा। मैलिशियस का मतलब क्या हो गया, विक्ड, दुष्टता से भरा हुआ, ठीक है। अब परनिशियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, परनिशियस का मतलब क्या होगा, हार्मफुल। स्पाइटफुल का मतलब क्या हुआ, हेटफुल, जो दूसरों से नफरत करता है, हेटफुल हो गया। विनिवोलेंट, अभी मैंने बताया विन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है गुड या वेल, जेंटल के सेंस में आता है, नोबल के। अब जहाँ पर ये विनिवोलेंट क्या हो गया, जो दूसरों का भला करता है, दूसरों के लिए हेल्पफुल है, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स नोन आर अनोन, तो ये विनिवोलेंट, ये आपका एंटोनियम हुआ, यही आंसर हुआ। विंडक्टिव का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज रिवेंजफुल, ऐसा व्यक्ति जो बदला जरूर लेगा, पक्का लेगा, मतलब बहुत आक्रामक टाइप का, रावण की तरह व्यक्ति होगा, बदला तो हम लेके रहेंगे, ठीक है, तो ये नहीं आना है, ये भी विक्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ अपने 78 में। 78 में क्या करना है, आपका दिया है कॉमिक्स टेंड टू, कॉमिक्स, हाँ ठीक है, टू परपेचुएट सेवरल मिथ्स। परपेचुएट का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू कर देना, कैरी ऑन, ठीक है, जो कॉमिक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ मिथ्स को कैरी ऑन कर दे रहे हैं। कैरी ऑन करने का मतलब क्या हो गया, फिर दूसरा वर्ड ले लो, उसको क्या कर दे रहे हैं, कंटिन्यू कर दे रहे हैं, क्लियर। एंटोनीम का मतलब क्या होगा, उसको रोक दोगे, तो सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप कर देना, रोक देना, तो परपेचुएट का एंटोनीम क्या हो गया, सीज। कंजर्व का मतलब, कंजर्वेशन पढ़ा है, संरक्षण, किसी चीज़ को बचा के रखना, तो वही है, परपेचुएट का मतलब कंजर्व करना हो गया, सिमिलर हो जाएगा। सस्टेन का मतलब कोई चीज़ बहुत दिन तक चलती है, तो आप कंजर्व करोगे, प्रिजर्व करोगे, तभी तो सस्टेन होगी। अब मेंटेन का मतलब उसको बहुत समय तक बनाए रखना, तो ये सब क्या हो गया, ये साइनोनीम हो गए, और ये सीज का मतलब स्टॉप, रोक देना वहीं पर, ये आपका एंटोनीम हो गया, क्लियर। नेक्स्ट करें 79 में आ जाओ, रीडबलेबल, देखो रीडआउटेबल, सॉरी, लिखा है कृष्णा इज अ रीडआउटेबल पर्सन। यहाँ रीडआउटेबल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जिससे डर लगता है, ठीक, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमको डर लगता है। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या हुआ, ये वही आदमी है जिससे हमको डर लगता है, फियरसम, देखो फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल और फियरसम, और ये आ इंस्पायरिंग, ये सब क्या हो गए, सब सिमिलर हो गए, साइनोनीम हो गए। अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव का मतलब हुआ जिसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई इंप्रेशन नहीं पड़ रहा, तो अगर डरावना होगा, डराएगा, तो इंप्रेशन पड़ेगा, नहीं तो अनइम्प्रेसिव हो जाएगा। अच्छा एक चीज और दिखा करो, जब आपको तीन वर्ड सिमिलर मिल जा रहे हैं, एलिमिनेट करना सीखो, जब आपको तीन वर्ड सेम मीनिंग के मिल जा रहे हैं, तो जो डिफरेंट मीनिंग का वर्ड होगा वो आप आंसर लगा दो, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग वाला जो आंसर वर्ड है उसको आंसर लगा दो, आंख मूंद के, ठीक है, क्योंकि अब वही होगा। नेक्स्ट आ जाओ 80 में, क्वेश्चन नंबर 80 में देखो, लिखा है द मूवी इज अबाउट फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज। तो फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, एक में मिक्स कर दिया गया है, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, मिक्स है, मिंगल है, वही वाला है, तो उसमें भी था वही सेपरेशन, और यहाँ भी क्या दिया है, सेपरेशन, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है इन्होंने। ज्वाइनिंग का मतलब क्या हुआ, जोड़ दिया एक में, तो फ्यूजन हो जाएगा, बॉन्डिंग करोगे तो भी फ्यूजन हो जाएगा, ये साइनोनिम, ये साइनोनिम। ब्लेंड वहाँ भी आया था, थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो ब्लेंड मतलब मिक्स करना, ये भी जोड़ देना हो गया, मिक्सिंग, ये सब साइनोनिम। एंटोनिम क्या होगा, केवल सेपरेशन होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज कॉम्प्रिहेंशन। क्लोज कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हुआ कि आपके पास एक पैराग्राफ होगा, ठीक है, एक पैराग्राफ में 10 ब्लैंक्स होंगे, 10 ब्लैंक्स में सबके लिए चार चार ऑप्शन दिए होंगे, किस ब्लैंक पर कौन सा ऑप्शन फिट होगा ये हमको करना है। तो पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, फिर ब्लैंक्स लगाएंगे, तो हमने पूरे के बाद नहीं, बीच बीच में एक पेज में पूरा पैराग्राफ दिया, पहले पैराग्राफ पढ़ लेंगे तभी उसको करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसको पहले करना नहीं चाहिए, वो गलत तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, ये है आपका क्लोज टेस्ट, और हम शुरू करते हैं इसको एक तरफ से। देखिए पहले आपको पूरा पढ़ना होगा, ये 86 फिलर नंबर 86 तक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे, ठीक।
पूरा मतलब 90 तक पढ़ लेंगे, उसके बाद भरना शुरू करेंगे एक कोर्स से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है, डैश आगे लिखा हुआ। आगे लिखा है टू एनी वॉर टू कंसीडर नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन पास्ट एग्रीमेंट्स डैश इट्स रियल जस्टिफिकेशन। अब यहाँ लगेगा क्या, बट। ठीक है, आगे नॉट लगा हुआ ना, यहाँ नॉट लगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बट। तो नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन पास्ट एग्रीमेंट्स बट इट्स रियल जस्टिफिकेशन इन द बैलेंस ऑफ गुड विच इट इज टू ब्रिंग टू मैनकाइंड। इससे इंसान का क्या भला होने वाला है, इसमें हमको जस्टिफिकेशन करना है। तो दूसरे के लिए तो बट लग गया, ठीक है, पहले से ही लग गया है, फिक्स है वो। आगे लिखा एट द बिगिनिंग ऑफ वॉर, जब युद्ध शुरू होता है तो ईच नेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डैश। जब युद्ध लड़ाई शुरू होती है तो हर देश शुरुआत में जिसको हम लोग कहते हैं वो इन्फ्लुएंस क्या होता है, देशभक्ति। तो देशभक्ति के इन्फ्लुएंस में आगे हर देश बिलीव करता है कि इट्स ओन कंट्री इज डैश, हमारा ही देश जीतेगा, हम ही जीतेंगे सब लोग। और या हमको ये लगता है कि विक्ट्री लिखा है ना, हिज ओन विक्ट्री इज सर्टेन, यहाँ तो विक्ट्री लिखा है ना, हर सबको लगता है कि हिज ओन विक्ट्री इज सर्टेन, हमारी जीत पक्की है। अच्छा, ये सर्टेन तो इन्होंने लिखा ही है, तब यहाँ क्या लगाओगे, क्वाइट सर्टेन, ऐसा कुछ लगेगा। चलो, एंड ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू मैनकाइंड, और ये इंसान के बहुत फायदे में होगा। हर आदमी यही तर्क देता है अपने लड़ाई के पीछे जो युद्ध करते हैं। आगे लिखा है कि द प्रेजवर्दीनेस, प्रशंसा, तारीफ, एडमिरेबिलिटी, तो ये प्रेजवर्दीनेस एडमिरेबिलिटी ऑफ दिस बिलीफ हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मैक्सिम ऑफ कॉमन सेंस। यही जो प्रेजवर्दीनेस है वो हर मतलब जो एक तरह से कॉमन सेंस की मैक्सिम कहावत बन चुकी है, हर आदमी ये एक्सेप्ट कर चुका। इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, ठीक, इट डैश टू बी नेचुरल एंड राइट दैट अ सिटीजन ऑफ एन एनिमी कंट्री शुड रिगार्ड द विक्ट्री ऑफ हिज साइड एज एश्योर्ड एंड हाईली डैश। वो दूसरे देश का जो होगा, जो एनिमी कंट्री का होगा, वो भी अपने देश की जीत को इसी तरह से कंसीडर करता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, फिर भरना शुरू करेंगे। ठीक, तो उसके आगे का पार्ट है कि बाय कंसंट्रेटिंग अटेंशन अपॉन द सपोज एडवांटेजेस ऑफ द विक्ट्री ऑफ आवर ओन साइड वी डैश मोर आर लेस ब्लाइंड टू द एविल्स इनसेपरेबल फ्रॉम वॉर एंड इक्वली सर्टेन विच एवर साइड में अल्टीमेटली प्रूव डैश अल्टीमेटली, मतलब चाहे जो भी साइड फाइनली जीतती है, जो वार के निगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो इनसेपरेबल इफेक्ट्स हैं, जो उसकी मतलब इनसेपरेबल बुराइयाँ हैं वार की, वो तो झेलना ही पड़ेगा। आगे लगा येट सो लॉन्ग एज दीज आर नॉट फुली रियलाइज, जब तक आप इनको अच्छी तरह से रियलाइज नहीं करते, इट इज इम्पॉसिबल डैश, तो ये काम असंभव होगा। जस्टली डैश अ वार इज आर इट इज नॉट लाइकली टू बी बेनिफिशियल टू ह्यूमन, मतलब कुछ भी हो, वार कभी ह्यूमन रेस के लिए बेनिफिशियल हो ही नहीं सकता। ऑल्दो द थीम इज ट्राइट, ठीक है, भले ही थीम जो है वो ट्राइट है, इट इज नेसेसरी देयरफॉर ब्रीफली टू रिमाइंड आवरसेल्व्स व्हाट द एविल्स ऑफ द वॉर रियली आर, हमको ये चीज़ हमको जरूर याद रखनी चाहिए। तो अब यहाँ से 68, 89 और 90 ऐसे ही इनके नीचे नीचे दिए मिलेंगे आपको। अब हम फिर चलते हैं शुरू से, आपको पैसेज की थीम समझ में आ गई, व्हाट अबाउट द पैसेज इज ये समझ में आ गया, ये इसमें दिया हुआ है कि वार है, वार से को लेकर के लोगों में कितना पैसन होता है, हर कंट्री अपने आप को जस्टिफाई करती है, लेकिन कभी भी वार ह्यूमन के लिए गुड तो नहीं हो सकता, वेलफेयर तो नहीं हो सकता है ह्यूमन का, इससे वो हार्म ही करेगा, नुकसान ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ये पैसेज लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर क्वेश्चंस, अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और इसको एक एक करके भरते हैं। देखो पहले क्या लिखा, इट इज नेसेसरी डैश टू एनी वार, अब किसी वार के कैश, अब यहाँ ध्यान रखिएगा टू का, इन रिगार्ड टू, हाँ इस इन रिगार्ड के बाद टू लगता है, कनेक्टिंग टू नहीं होता है, कनेक्टिंग विद होता है और लिंकिंग विद होता है, टू नहीं होता, तो ये दोनों इनके बाद टू नहीं लगता, डिस्क्राइबिंग का यहाँ कोई चांस नहीं है, तो क्या होगा इन रिगार्ड टू या इन रिगार्ड इन रिस्पेक्ट टू, ये होता है। ठीक है, इनके बाद टू लगाना होता है, तो ये इन रिगार्ड लगा।
नेक्स्ट में आ जाओ तो नेक्स्ट के लिए हम अगले पेज पे आते हैं। देखो यहाँ क्या दिया है, ये इस वाले फिलर के लिए देखो क्या करना होगा इस फिलर में। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन पास्ट एग्रीमेंट्स बट इट्स रियल जस्टिफिकेशन इन द बैलेंस ऑफ गुड विच इज इट विट इट इज टू ब्रिंग टू मैनकाइंड, ये इंसान के लिए क्या गुड लाने वाला है। तो यहाँ पे बट लगाओगे ये पहले से ही फिक्स हो चुका है, एंड नहीं है, क्योंकि बातें विरोध में पास्ट वाले नहीं बल्कि इस सेंस में करना है, तो अनटिल अनलेस का कोई चांस नहीं होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, फिलर नंबर ये 83 में आ जाओ। 83 में क्या करना है, देखो इन्होंने कहा कि शुरू शुरू में हर आदमी कहता है कि हम जीतेंगे, और मतलब एक जुनून होता है किसका, देशभक्ति का जुनून होता है, तो किसका डिसलॉयल्टी तो यहाँ आएगा नहीं अपने देश से, कहीं भी डिसलॉयल्टी नहीं आई, तो अपने देश के साथ वो गद्दारी का तो फीलिंग नहीं है, कि पैट्रियटिज्म ये एक देशभक्ति की भावना रहती है। इनफाइडलिटी का मतलब वही है गद्दारी, देशभक्ति देश के साथ गद्दारी होगा नहीं, फॉल्सनेस भी नहीं, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। शुरू शुरू में हम जो युद्ध को जस्टिफाई करते हैं वो किस नाम पर, बाय द नेम ऑफ पैट्रियटिज्म, देशभक्ति के नाम पर, क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट वाले में आ जाओ, देखते हैं हम अगला 84 में क्या लगाना, ये रहा आपका 84। तो 84 में क्या करना है भाई, इन्होंने कहा कि ये कॉल्ड पैट्रियटिज्म, आगे लिखा बिलीव दैट इट्स ओन कंट्री इज डैश सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। हर आदमी हर देश यही सोचता है कि सर्टेन और एंड लगा है, अब एंड किसके साथ लग सकता है, जाहिर सी बात है बोथ। ठीक, आगे लिखा कि विक्ट्री इज बोथ सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड, हर किसी को लगता है कि हमारी जीत तो पक्की है और ये मैनकाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ये यही जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो एंड के पेयर में हम बोथ ही लगा सकते हैं। अब देख लो बोथ एंड ये कनेक्ट हो जाएगा नेशनली, अब देखो आवर विक्ट्री इज नेशनली सर्टेन ना, इंडिविजुअली सर्टेन या ऑटोमेटिक ऑटोनोमसली सर्टेन, अब आगे एंड लगा हुआ है तो एंड किसके साथ कनेक्ट होगा, बोथ के साथ ही एंड लगा पाते और किसी के साथ एंड नहीं लगेगा, तो ये वाला लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, अब आया आपका कौन सा फिलर नंबर 85 वाला कौन सा है, यहाँ पे आप बताओ क्या लगाओगे, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, देखो पहले यहाँ से पढ़ो, इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, जब युद्ध चल रहा होता है इट डैश टू बी नेचुरल एंड राइट, तो इसको डैश माना जाता है नेचुरल और राइट माना जाता है कि अ सिटीजन ऑफ एन एनिमी कंट्री शुड रिगार्ड द विक्ट्री ऑफ हिज साइड एज एश्योर्ड, जैसे दुश्मन वाला वो भी तो अपने लिए यही सोच रहा होगा, तो इट इज डैश ऐसा माना जाता है, तो इट इज हेल्ड ये तो हो सकता है, इट इज हेल्ड इट वाज हेल्ड पास्ट में नहीं हो सकता क्योंकि पूरी कहानी किसमें जा रही है, प्रेजेंट में एक जनरल ट्रुथ की बात हो रही है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज जनरल ट्रुथ ऑफ यूनिवर्सल नेचर, तो वी शुड कीप द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाए, पैसिव वॉइस है इट इज हेल्ड हैज बीन विदल्ड का मतलब जानते क्या होता है, ये होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना झेलना, तो यहाँ विदल्ड की बात ही नहीं हो रही ना, ऐसा माना जाता है, तो हेल्ड लगाना था वाज पास्ट में चला गया इसलिए इज हेल्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 में भाई क्या, ये वाला फिलर में आ जाओ, इसमें क्या लगाना है आपको 86 में, तो दुश्मन देश का जो आदमी है वो भी क्या करता है, शुड रिगार्ड द विक्ट्री ऑफ हिज साइड एज एश्योर्ड एंड हाईली अनप्लीजेंट, भाई अपने देश की जो जीत वो सोच रहा है वो अनप्लीजेंट होगी नहीं, अनलाइकली होगी, बिल्कुल नहीं, वो तो लाइकली श्योर में रहता है ना, और मैलिग्नेंट नुकसान के लिए लगता है, डिजायरेबल उसको भी लगता है ना कि हमारे देश की जीत होनी चाहिए। ठीक है, हर कोई अपनी अपनी जीत की अपने अपने देश की जीत के पक्ष में तर्क देगा। ठीक है, तो ये 86 हो गया, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 87 के लिए, 87 और 88 दोनों एक ही पेज में आ जा रहा है, इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इस पर हमने गोदागादी कर दी थी, लेकिन अब इसको जरा मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये हो गया क्लियर हमारे काम भर का। ठीक है, चलिए तो आपको अभी क्या करना है, हमको 87 के लिए भरना है और 88 के लिए, दोनों के लिए भरना है। तो 87 में देखो क्या लगाओगे, लिखा कि बाई कंसंट्रेटिंग अटेंशन अपॉन द सपोज एडवांटेज ऑफ द विक्ट्री ऑफ आवर ओन साइड वी डैश बिकम मोर आर लेस ब्लाइंड टू एविल्स, जब हम अपने देश की विक्ट्री को सर्टेन हो जाते हैं तो इसकी बुराइयों के प्रति हम क्या हो जाते हैं, करीब करीब ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम हो जाते हैं, तो क्या होता, वी बिकम,
ठीक है, हम क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वी बिकम मोर आर लेस ब्लाइंड। तो हमको बिकम लगाना पड़ेगा, बिकमिंग नहीं लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर वही बात कही, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशन क्या है, एक जनरल सेंस की बात हो रही है, यूनिवर्सल नेचर की, ठीक है, ऑलवेज टू टाइप की बात हो रही है, तो क्या होता है, बिकम। थ्योरी बात हो रही है ना, थ्योरी ऑफ वार, इसके पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हैड बिकम पास्ट में चला जाएगा, हैव बीन बिकमिंग कंटिन्यूअस में होगा, ये सब परमानेंट ट्रूथ है, तो ये जनरल ट्रूथ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। नेक्स्ट में आ जाओ, ये 88 वाले में फिलर में क्या लगाना है आपको, ठीक है, तो 88 में देखो यहाँ लिखा है कि हर किसी को क्या लगता है, यहाँ लिखा इनसेपरेबल फ्रॉम वार एंड इक्वली सर्टेन विच एवर साइड मे अल्टीमेटली प्रूव, चाहे जो साइड, चाहे इस साइड चाहे उस साइड, कोई भी जीतता है तो यहाँ क्या होगा, प्रूव विक्टोरियस, प्रूव क्या होगा, सक्सेसफुल, थ्राइविंग, विक्टोरियस या फेलिंग, ठीक। तो इसमें सक्सेसफुल और विक्टोरियस है, थ्राइविंग का मतलब होता फलता फूलता हुआ, अभी बिजनेस के सेंस में यूज किया जाता है, वार के सेंस में नहीं, फेलिंग तो लगेगा नहीं। हर पक्ष अपने के लिए क्या मानता है, चाहे जो पक्ष उसमें क्या हो, सफल हो, तो सफल में चूंकि यहाँ पे वार की बात हो रही है, बार बार विक्ट्री 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 की बात हो रही है, तो अगर विक्टोरियस दिया हुआ है तो हम सक्सेसफुल नहीं लगाएंगे। अगर विक्टोरियस ना होता, इनकेस देयर वुड नॉट हैव बीन विक्टोरियस, वी वुड गो विद द सक्सेसफुल, तब हम सक्सेसफुल के साथ जाते हैं। सक्सेसफुल भी एकदम मतलब सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन विक्टोरियस के सामने वो फीका पड़ रहा है, इसलिए विक्टोरियस होगा, चूंकि वार की बात हो रही है ना, इसलिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन नंबर आ गया अब कौन सा, 89, ये रहा आपका 89 और ये रहा आपका 90, तो 89 और 90 में क्या लगाएंगे, देखो यहाँ आ जाओ, लिखा येट सो लॉन्ग एज दीज आर नॉट फुली रियलाइज, जब तक इनको हम फुली रियलाइज नहीं कर लेते तो इट इज इम्पॉसिबल टू डैश, तो ये डैश करना, इवेल्युएट करना, जज करना मुश्किल है, टू जज, तो इम्पॉसिबल, देखो पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बाद क्या लगता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये श्योर है, तो यहाँ टू जज लिखा है, टू बी जज्ड नहीं होगा, हैविंग जज्ड नहीं होगा, टू जजिंग नहीं होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल हो, जैसे हम कहें इट इज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड एट पीक आवर्स, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल या पॉसिबल के बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये पहले वाला हो गया, टू जज हो गया। अब आगे आ जाओ, जस्टली के बाद लिखा है डैश अ वार इज और इज नॉट लाइकली, अब और लगा है, ठीक, तो और किसके साथ लग जाता है, आपको याद होगा आइदर के साथ और लगता है या फिर वेदर के साथ और लगता है, दो चीजें हैं जिनके साथ और लगता है, ठीक, कौन सा मिल रहा है, वेदर मिल रहा है, देयरफोर सिंस और हाउएवर नहीं लगेगा, ही वेदर है जिसके साथ और लगा सकते हो, तो ये सेट हो गया, कोई डाउट नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रीपोजिशन एंड डिटरमिनर के क्वेश्चन है, 91 से लेकर के 100 तक के, ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। लिखा है कि स्टीव हैज गॉन अवे, स्टीव चला गया है मतलब दूर कहीं गया है, ही विल बी अवे डैश मंडे, वो मंडे तक क्या होगा, मंडे तक वहां दूर ही रहेगा, तो यहां क्या हो गया, मंडे तक, तक क्या हो गया, ये डेडलाइन है, ठीक है, क्या दे रहे हैं आप, डेडलाइन दे रहे हैं। अच्छा, जब आप डेडलाइन दे रहे हैं तो डेडलाइन के लिए ऑन तो लगता नहीं, डेडलाइन के लिए बाय लगता है, अनटिल लगता है, फ्रॉम नहीं लगता, हाँ, तो डेडलाइन के लिए तीन चीज़ें लगती हैं, आप बाय लगाते हो, डेडलाइन के लिए टिल लगाते हो, ठीक है, अब अनटिल भी डेडलाइन के लिए ही लगता है, जैसे आदमी कहता है ना, मैं तब तक तुम्हें पीटूंगा जब तक सच नहीं बता दोगे, तो अनटिल, आई विल वेट यू अनटिल यू टेल मी द ट्रुथ, तो अनटिल मतलब वो डेडलाइन हो गई, बस ये है कि अनटिल जो होता है ना, जब नॉट आता है तब लगाया जाता है, लेकिन ध्यान देना, लेकिन नाउडेज आजकल एक दो मतलब करीब 4-5 सालों से ऐसा हो रहा है कि अनटिल को टिल के सेंस में फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है। अब गड़बड़ ये हो गया है कि इसमें ऑप्शन बाय और अनटिल दोनों दिया है। आई थिंक मेरा ये मानना है कि यहाँ पर बाय ज़्यादा सुटेबल है, पर UPSC ने अनटिल को आंसर माना है। अनटिल चूंकि आजकल टिल के तरह यूज किया जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में यूज किया जा रहा है, डेडलाइन के लिए यूज किया जा रहा है। अब मान लो कि आप डेडलाइन के लिए आपके बाय टिल और अनटिल दो चार तीन है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने अनटिल को ही आंसर माना था। वैसे मेरा जो वेट है, मेरा जो फेवर है, वो बाय के साथ है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 में क्या है, देखो लिखा आई विल सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग,
देखो मॉर्निंग के लिए तो इन लगता है, लेकिन फ्राइडे के लिए क्या लगता है, डे के लिए ऑन लगता है। तो अब ये मॉर्निंग का महत्व जाएगा, यहाँ क्या लगेगा ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, तो क्या लगा लेंगे हम ऑन यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका 93 में लिखा कि राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द टॉप एट द बॉटम। ठीक है, क्या होता है एट द टॉप और एट द बॉटम, टॉप और बॉटम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एट यूज करते हैं, है ऑप्शन ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, ये यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो सोहन इज स्टडिंग डैश यूनिवर्सिटी। ठीक, अब ऐसे प्लेस बिल्डिंग वगैरह के लिए क्या यूज करते हैं, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, ऐसे हम लोग यूज करते हैं ना, एट अ होटल, तो एट लगेगा इसमें। क्लियर, चलिए इन यूनिवर्सिटी मत लगाइएगा, इन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या एरिया हो जाएगी। ठीक, इंस्टीट्यूट के लिए एट लगता है, इन नहीं लगता है। हाँ, अगर आप कहीं ऑफिस में बैठे हुए काम करते हैं, वर्क का अगर लगाते हैं आप वर्क, तब तो इन लग सकता है, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो एट लगेगा, इन नहीं लगेगा वहाँ पर। ठीक है, एरिया नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एट लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा 95 में, देखो क्या करना है कि ही इज इंडेप्टेड। अब देखो इंडेप्टेड दो तीन वर्ड है, ध्यान रखना, ग्रेटफुल, अभी बता दे रहा हूँ काम आएगा आपके, ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, ग्रेटफुल या थैंकफुल या यही इंडेप्टेड। ठीक है, और एक वर्ड ले लो इंडेप्टेड, एक और वर्ड ले लो ओबलाइज्ड। ठीक है, ये ओबलाइज्ड मतलब इन सब के साथ, और भी हैं पहले इतना समझो, इन सब के साथ या तो टू लगता है या तो फार लगता है। टू अ पर्सन समबडी, अगर आप किसी के एहसान मंद हैं तो टू लगाएंगे, और जिस बात के लिए होंगे उसके लिए फार यूज करेंगे। मतलब क्या होगा, आई एम ओबलाइज टू यू फॉर योर हेल्प। ठीक है, तो यहाँ हिज फ्रेंड लिखा है, क्या है पर्सन है, तो क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे, तो ये रहा आपका टू। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबल, तो ये एक बात ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिबल वहाँ लिखा है इसलिए फिर से नहीं लिख रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, आंसरेबल है। ठीक है, ये होता है ना जिम्मेदार, जवाबदेह, इन सब के साथ में दो चीज़ें लगती हैं, टू समबडी किसी पर्सन के प्रति जिम्मेदार होंगे, और फॉर क्या होगा, समथिंग किसी रिजल्ट के लिए, सक्सेस के लिए ये होता है। तो लिखा फॉर माय स्पाउस डेप्ट, डेप्ट के लिए, कर्ज के लिए लिखा ना, स्पाउस क्या होगा पति या पत्नी, तो डेप्ट कर्ज के लिए, तो कर्ज क्या हो गया, समथिंग हो गया, इसलिए क्या लगाना होगा फॉर, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर माय स्पाउस डेप्ट, अब ये क्या लगा पहला वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 97 में देखो क्या लिखा, इट वाज फन टू हैंग आउट डैश द पियर। पियर क्या होता है जानते हो, नहीं जानते हो गे, सोचा भी नहीं होगा। पियर होता है जैसे समुद्र के किनारे जहाँ पोर्ट होता है, तो जब शिप आती हैं, कार्गो शिप्स आती हैं, तो एकदम किनारे तक नहीं आ पाती हैं। पूछो क्यों नहीं आ पाती हैं, क्योंकि एकदम किनारे पर जो होता है ना पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता है, ठीक है, स्लोप होता है, तो वो उतने किनारे तक आ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा अंदर ही पानी में रुकती हैं। तो वहाँ एक प्लेटफार्म, जैसे स्टेशन पर प्लेटफार्म बनता है, वैसे शिप के बगल में एक प्लेटफार्म बनाया जाता है, परमानेंट बना रहता है वो, मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जाता है बढ़िया सा, उसको पियर कहते हैं। एक पुल टाइप का होता है, शिप से लेकर के आप जमीन तक, जहाँ शिप खड़ी है वहाँ से जमीन तक सामान को लेकर के आएंगे जाएंगे, यहाँ सामान को वहाँ पे उतारे उतारेंगे, तो उसके लिए वो एक पुल बनता है वहाँ पे, उसको कहते हैं पियर। ठीक है, समझ गए, तो ये होता है। तो फन, हम फन ले रहे हैं, कहाँ फन ले रहे हैं बताओ जरा, फन ले रहे हैं अंडर, अंडर द पियर, ये पुल है ना, मान लो कहीं किसी एक, ये पुल है, उस पुल के नीचे आप बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे होगे ना, कुछ और भी पी सकते हो, हम वो नहीं कह रहे हैं, सपोज करो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो किसी के साथ बैठ के, तो क्या होगा, पुल के नीचे तो अंडर होगे ना, तो डाउन और विद और इन नहीं होगा, क्या होगा, ये बीनीथ होगा। ठीक, समझ गए हम, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 98 में क्या है, कैन यू पास डैश शुगर प्लीज, क्या शुगर पास करेंगे, तो शुगर अनकाउंटेबल है, आ एन तो लगाना नहीं है। अब आप क्या करेंगे ये बताओ, जब कहीं पे चीनी रखी हो, हम कहेंगे भैया जरा ये चीनी आगे बढ़ाना, तो वो चीनी डेफिनेट हो गई ना, किसी खास किसी मतलब कहीं किसी भगोना नहीं जी, कटोरे वटोरे में, बाउल वगैरह में रखी चीनी को इंडिकेट करके करो, और जब इंडिकेट करके करोगे तो वो चीनी क्या होगी, डेफिनेट हो जाएगी, कोई चीनी थोड़े ना मांग रहे हैं, ठीक, किसी बाउल की ओर इंडिकेट करके मांग रहे हैं, तो इसका मतलब वो डेफिनेट हो जाएगी, डेफिनेट हो जाएगी तो क्या लगाना चाहिए, दा लगाना चाहिए। ठीक, चले आगे आ जाओ 99
99 में कह रहे हैं कि आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5। अब इन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 5 कहा, तो डेफिनेट तो है, ऐसा तो लग रहा है कि ये, अब देखो आ एन तो नहीं लगेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 5 फिक्स होता है, कोई प्लेटफॉर्म नंबर 5 नहीं होता। अच्छा देख, बात और भी है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 है वो स्पेसिफिक है या जनरल सेंस में यूज किया गया है, बस ये हमको बताओ। कोई स्पेसिफिक नहीं है, कहीं भी स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म नंबर 5 होता है, ये जनरल सेंस में है। तो जनरल सेंस में चूंकि आ रहा है इसलिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 को के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आप लोगों में से कई लोगों ने दा लगा दिया होगा, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने दा लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर दा नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी लग गई हमारी। ठीक है, लिखा है डैश चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, कुछ बच्चे बहुत तेजी के साथ सीखते हैं, तो मच तो होगा नहीं क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये अमाउंट में आएगा। एनी चिल्ड्रन अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी लगता नहीं है, अब चिल्ड्रन के पहले आ नहीं लग पाएगा, तो आप क्या लगा सकते हो, सम लगा सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस है जिसमें आधे पर छोड़ दिया गया है, इसके बाद क्या होगा ये आपको इनमें से ढूंढना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, अगर आप सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे तो भर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये भी काम। चलिए, ये रहा आपका पहला सेंटेंस, लिखा है कि दे वर इन्फॉर्म्ड दैट द इनॉग्रल वर्जन ऑफ द स्कीम, उनको ये बताया गया था कि जो स्कीम का इनॉग्रल, इनॉग्रल मतलब शुरुआती वर्जन होगा, उद्घाटन वाला वर्जन होगा, उसमें क्या होगा। अब इसमें लिखा होगा कि हैड थ्री पार्ट्स, ठीक, के तीन पार्ट थे। अच्छा वर इन्फॉर्म्ड, वर इन्फॉर्म्ड क्या है, ये पास्ट है। अच्छा पास्ट है तो हमें उसका एसोसिएट सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, तो हैड थ्री पार्ट्स एकदम से करेक्ट लग रहा। वाज थ्री पार्ट्स, इनॉग्रल वर्जन, देखो इसमें तीन पार्ट थे तो वाज से तो बनेगा नहीं ना, ये पजेसिव वर्ब लगानी होगी, हैज हैव हैड से बनेगा। अच्छा यहाँ हैव थ्री पार्ट्स क्यों गलत हुआ, क्योंकि वर इन्फॉर्म्ड पास्ट में है तो हैव थ्री पार्ट्स प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, ठीक ये हुआ। अच्छा हैड हैज, कभी भी हैड के बाद हैज नहीं हो सकता, हैड के बाद अगर होगा तो इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड हैड हो सकता है, हैड हैव नहीं हो सकता, हैड हैज नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा आपका, पहला वाला होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन सेम टाइप, क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड, अब देखो एक चीज समझ लो, आप एक कंडीशनल का मैटर समझो, क्योंकि इसके अगले वाले क्वेश्चन में भी वही चीज आएगी, तो मैं आपको एक बात समझा दे रहा हूँ। पहले ऐप देखो, इफ है, इफ के बाद जब कोई सब्जेक्ट होता है तो इसके बाद टेंस ध्यान रखना, इफ के बाद अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट है, ध्यान रखिएगा अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट है इफ के बाद, बड़े आराम से समझिएगा, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, इसमें होगा सब्जेक्ट के साथ विल या कैन, क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ विल या कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हुई बल्कि क्या हुई, पास्ट इंडेफिनिट, याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आगे क्या होगा, सब्जेक्ट यही होगा लेकिन विल की जगह पर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा या फिर कुड हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ना होकर के पास्ट परफेक्ट है, ध्यान दीजिएगा पास्ट परफेक्ट का मतलब हुआ कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है इन केस इफ के बाद, तो यहां जानते क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा लेकिन वुड के साथ अब लगेगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वुड नहीं तो मे बी कुड का भी यूज हो सकता है। ये पैटर्न आप एकदम से दिमाग में बैठा लो, आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है आप पूरा देखना चाहते हैं, इसको पूरा समझना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर मेरा एक वीडियो है कंडीशनल्स, तो कंडीशनल्स में मैंने चारों पांचों पैटर्न समझाए हैं, थोड़ा डिटेल में ज़्यादा अच्छे से समझाया, अभी जल्दी में समझा दिया। चलिए, व्हाट वुड यू डू, वुड लगा हुआ है तो वुड का मतलब क्या हुआ आपका, ये लगा हुआ है, यहाँ वुड लगा है इसका मतलब इधर आपका क्या होना चाहिए, इधर आपका होना चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। ठीक, चलो इफ यू वुड, देखो इफ के साथ कभी कोई मॉडल वर्ब नहीं लगती, नो मॉडल वर्ब इज अलाउड विद इफ, तो वुड तो हो नहीं सकता किसी कीमत पर, नहीं होगा और ना ही विल होगा। क्या नियम बताया मैंने,
कोई मॉडल वर्ब इफ के साथ नहीं लगती है तो फिर क्या लगेगा? इफ यू हैव, अब मैंने अभी कहा था अगर ये वुड लगा है तो यहां हमको पास्ट चाहिए, तो हैव तो नहीं लगा सकते हो। फिर एक ऑप्शन बच रहा है वन, वन क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में ये होगा करेक्ट। व्हाट वुड यू डू इफ यू वन अ लॉट ऑफ मनी? ठीक, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा जीत गए तो क्या करेंगे? क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला उसी पर है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इफ इट स्टॉप्ड। देखो इफ के साथ क्या लगा? इट स्टॉप्ड रेनिंग, सेकेंड फॉर्म। आगे आपको क्या चाहिए? आपको सब्जेक्ट के साथ वुड चाहिए या कुड चाहिए और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। जोड़ो, हैड गॉन नहीं हो सकता, कुड गो, शुड गो, शुड नहीं होगा और टू गो नहीं होगा। आपके पास एक ऑप्शन में चाहिए, मैंने भी बोला था कुड या वुड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये आंसर हो गया। इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग वी कुड गो आउट, तो हम बाहर जा सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 104। इसमें क्या है? लेट मी नो, लेट मी नो मतलब मुझे बता देना, मुझे इन्फॉर्म कर देना, इंपरेटिव सेंटेंस है। इफ यू हैव एनी फर्दर न्यूज, मुझे बता देना अगर आपको कोई और खोज खबर, कोई और सूचना, कोई और जानकारी मिलती है तो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इफ यू हैड, अच्छा लेट मी नो, मुझे बता देना, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इफ यू हैड, अगर आपके पास कोई जानकारी थी तो मुझे बता देना। लो, पास्ट में बात होती तब नहीं आता, तो हैड नहीं हो सकता। दूसरी बात, यू के साथ हैज लगता नहीं है, यू प्लूरल है, उसके साथ हैज नहीं लग पाएगा, और हैड अभी मैंने मना किया था। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक बात मैंने बताई थी कि हैड के साथ हैव या हैज किसी कीमत पर नहीं हो सकता, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए ये हैड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। सेम सिचुएशन के लगातार दो क्वेश्चन आए हैं, इसमें केवल पहला ही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी स्टेड, हम ठहरे, रुके, कहाँ? एट द चीप होटल इन द टाउन, एट द चीपर होटल, चीपर क्यों लगाओगे भैया, कंपेरिजन तो हो नहीं रहा है। एट द चीपेस्ट होटल इन द टाउन, हाँ टाउन में बहुत सारे होटल हैं, उनमें सबसे सस्ता वाला, ये हो सकता है। एट अ चीपेस्ट, चीपेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले आ लगा ही नहीं सकते हो। अच्छा, द क्यों लगाओगे? कोई डेफिनेट तो है नहीं, हम एक होटल में, हमने कहा कि हम टाउन के एक सस्ते होटल में थे, या तो यहाँ ऐड के बाद आ लगा होता तो ठीक था, तब ये हो सकता था, पॉसिबल था, इसके पहले दामे लगाना नहीं है। अब एक ऑप्शन बच रहा है एट द चीपेस्ट होटल, ठीक है ना, तो कौन सा होगा? 105 में सी वाला हुआ। क्लियर, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106, जूलिया गॉट मैरिड, जूलिया शादी कर ली, अब यहाँ बताना है टाइम, कब, कब, एज सी वाल, क्योंकि वो 22 साल की हो गई थी इसलिए शादी की, कारण है क्या उसका, रीजन है नहीं, बल्कि क्या करें, व्हेन सी वाज 22, जब वो 22 साल की हुई तब उसने शादी कर ली, बिकॉज नहीं, देखो एज मतलब भी क्योंकि, बिकॉज मैंने भी क्योंकि, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा आप नहीं तो मैं नहीं, मैं कैसे, ठीक मतलब मैं नहीं तो तुम कैसे, ये हो जाएगा ना, दोनों चीज सेम चीज है। सिंस का मतलब भी वही होता, क्योंकि, तीनों में लड़ाई हो जाएगी फिर, इसलिए जो जो नहीं लड़ेगा उसी को ले लो भैया, वैन वाला कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम, ठीक है व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय। अभी लिखा है कि डज दिस ट्रेन गेट एट लंदन या डज दिस ट्रेन गेट इन लंदन, अब डज दिस ट्रेन गेट इन टू लंदन या डज दिस ट्रेन गेट टू लंदन, अब 107 में आप बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो गेट के बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, टू यूज करते हैं। ठीक है, समझ जाना, गेट के बाद, गेट का मतलब क्या होता है, रीच, पहुंचना। ठीक है, ट्रेन लंदन, अब ये लंदन क्या है, अब ट्रेन की बात कर रहे हो ना, ट्रेन कर रहे हो तो लंदन शहर की बात नहीं हो रही है, क्या हो रही है, लंदन स्टेशन की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। तो इन केस ऑफ ट्रेन, लंदन इज रिकमेंडेड, लंदन इज रेफर्ड एज स्टेशन, नॉट द सिटी ऑफ लंदन। ठीक, अब लंदन पहुंचना है, जैसे हम कहें कि ये ट्रेन चार बार कब पहुंचेगी, तो क्या होगा, टू चार बार, रीच टू चार, टू लगता है ना, ठीक है, डेस्टिनेशन के लिए, तो गेट के बाद टू आएगा और ये चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर, चले आगे, नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 108, 108 में हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है, आगे लिखा गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, गेटिंग ऑफ इन योर न्यू जॉब, गेटिंग अलोंग
योर न्यू जॉब या गेटिंग ऑफ इन योर न्यू जॉब, इनमें से कौन सा वाला लगाओगे? तो गेटिंग ऑन यूज किया जाता है। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, मतलब कैसा चल रहा है आपकी नई जॉब, कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है, सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, तो ये वाला पहला वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 109 में, इसमें क्या, आई एम ट्राइंग टू, ट्राइंग टू के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबकी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शट डाउन ऑन कॉफी, मतलब कॉफी बहुत पीता है आदमी, कह रहा है मैं कुछ कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शट डाउन होगा नहीं होगा, कट डाउन होगा कि ब्रेक डाउन होगा कि टर्न डाउन होगा, तो कट डाउन होना चाहिए आई थिंक। मतलब किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी में कमी करने को हम लोग क्या कहते हैं, कट डाउन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो कट डाउन होता है ये, मतलब ब्रेक डाउन मतलब होता है कुछ स्वास्थ्य वगैरह खराब होता है या इंजन वगैरह खराब हो जाता है, तब टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, लेकिन ये रिजेक्ट क्या होता है, कोई प्रपोजल वगैरह रिजेक्ट किया जाता है तब यूज किया जाता है, यही नहीं है। मतलब किसी किसी कंजम्पशन की फ्रिक्वेंसी कम ना कि, जैसे आदमी कहता है ना सिगरेट पीना कम कर रहा हूँ तो कट डाउन, मोटापा कम कर रहा हूँ कट डाउन। ठीक है, चले आगे 110 मेनी एक्सीडेंट्स। ठीक, तो मेनी एक्सीडेंट्स के लिए क्या लगाओगे अब, मेनी एक्सीडेंट्स कॉज केयरलेस ड्राइविंग ना, एक्सीडेंट्स पैसिव वॉइस में होगा, एक्सीडेंट्स इनके कारण होते हैं, आर कॉज्ड बाय, मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय, ये होगा। ठीक है, तो हैव कॉज्ड ये एक्टिव वॉइस हो जा रहा है ना, एक्सीडेंट्स नहीं करते हैं केयरलेस ड्राइविंग, बल्कि केयरलेस ड्राइविंग के नाते होते हैं एक्सीडेंट्स। ठीक है, हैव कॉज्ड नहीं होगा, कॉज नहीं होगा, आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग, ये हो सकता है। विल कॉज एक्सीडेंट्स केयरलेस ड्राइविंग करेंगे, नहीं भाई ये गलत हो रहा, एक्सीडेंट पैसिव सब्जेक्ट है ये, इसके साथ इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, तो आर कास्ट बाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो 111। ठीक है, अब ये एक पैसेज है, तो मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ कि जब हम पैसेज करते हैं तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग पैसेज, पहले आप क्या करो क्वेश्चन पढ़ लो। तो ये दो पेज हो गया, तीन पेज हो गया, क्या करते हैं हम लोग पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद उल्टा बोल दिया, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, की पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे पैसेज को सॉल्व, जब सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर उसी में मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, जनरल टोन ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की टोन क्या है, तो पैसेज पूरा पढ़ने के बाद समझ में आएगा पैसेज की टोन क्या है। अगला लिखा है कि यूज ऑफ मशीन्स हैज फेल्ड टू ब्रिंग अस, पैसेज में कई मशीन्स की बात हुई, तो मशीन्स के यूज ने मतलब यूज हमको क्या लाने में फेल रही, स्पिरिचुअल फ्रीडम देने में फेल रही कि मोर लेजर देने में, लेजर तो दिया है उसने, मोर एनर्जी भी दी है, और स्लेवरी देने में फेल रही, स्लेवरी को चाहिए हमको, कल्चर और सिविलाइजेशन देने में फेल रही क्या। ठीक है, तो ये दो चांस हमारे बन रहे हैं, स्पिरिचुअल फ्रीडम और कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज अकॉर्डिंग आवर सिविलाइजेशन वुड बी मेड ग्रेटर, हमारी सिविलाइजेशन और महान होती और होती अगर हमने इनमें से कोई काम किया होता, तो हम पढ़ के देखेंगे हमने इसमें से कौन सा काम किया होता तो सिविलाइजेशन हमारी और ग्रेट होती। नेक्स्ट आ जाओ 114 पे, यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अबाउट मशीन्स इज ट्रू, मशीनों के बारे में, मतलब ये पूरा पैसेज मशीनों के बारे में होगा क्योंकि क्वेश्चन बराबर मशीन पे आ रहे हैं, तो इनमें से मशीनों के बारे में कौन सा डिस्क्रिप्शन ट्रू है, ट्रू पर फोकस रखिएगा, कहीं अनट्रू वाले पे या नॉट ट्रू वाले पे नहीं, कौन सी बात इसमें मशीनों के बारे में सही कहा गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डू वी यूज पावर्स बेस्टोर्ड अपॉन अस बाय साइंस, हमने जो हमको साइंस ने पावर दी है हम उस पावर को कैसे यूज करते हैं, ना समझी पूर्वक एकदम मूर्खता पूर्वक यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा ओपिनियन था, चलिए अभी पैसेज पढ़ते हैं हम आपका। ठीक है, ये आ जाओ पैसेज पढ़ते हैं हम आंसर लेते चलेंगे। इसमें लिखा है इसमें कि द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट आप और सिविलाइजेशन द इज, हमारे सिविलाइजेशन की जो थर्ड ग्रेट डिफेक्ट है वो क्या है कि इट डज नॉट नो वाट टू डू विद द नॉलेज, नॉलेज के साथ क्या करना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। साइंस हैज गिवन अस पावर फिट फॉर द गॉड्स, साइंस ने हमको वो ताकत दी है जो देवताओं के लिए फिट है, उसके उनके लिए चाहिए, येट वी यूज देम एज स्मॉल चिल्ड्रन, लेकिन हम साइंस के द्वारा दी गई इस पावर को हम बच्चों की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आवर मशीन्स, हमें ये नहीं पता कि हम अपने मशीन्स को कैसे मैनेज करते हैं। ध्यान रखिएगा अब आ गए मुद्दे पर, मशीन्स वर मेड टू बी ह्यूमैनिटीज सर्वेंट,
मशीन बनाई गई थी इंसान की सेवा करने के लिए, येट मैन हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम, लेकिन इंसान मशीनों पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है कि दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर, कि आज ये हालत हो गई है कि मशीनें जो हमारी सर्वेंट के रूप में बनाई गई थी वो हमारी मालिक बनती जा रही हैं। ठीक, याद रखिएगा, ऑलरेडी मोस्ट पीपुल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन, हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा मशीनों का वेट करते हुए बताते हैं, उनकी सर्विस करते हुए बिताते हैं। ठीक है, आगे, क्योंकि मशीन भी मुंह फुला लेती है ना। एंड द मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर, जो मशीन है वो कैसी है, बहुत ही स्टर्न मास्टर है। स्टर्न मास्टर का मतलब क्या, वो बहुत ही बेरुखा, जिसके अंदर दया वया नहीं होती है, ये ध्यान रखना। दे मस्ट बी केप्ट एट द राइट टेम्परेचर, मशीन को राइट टेम्परेचर पर रखो, नहीं तो खराब हो जाएगी, मुंह फुला लेगी। एंड इफ दे डू नॉट गेट देयर मील व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड, अगर आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं हुई तो गई, ठीक है, तो दे ग्रो सल्की, फिर वो मुंह फुला लेंगे, रिफ्यूज टू वर्क, या बस्ट विद रेज, गुस्से से फट जाएंगे। ठीक है, एंड ब्लो अप एंड स्प्रेड रुइन डिस्ट्रक्शन अराउंड अस, मशीन फट जाती है, दग जाती है। ठीक है, तो मतलब इनकी भी सेवा करनी पड़ती है हमको। सो वी, ठीक है, इसलिए हम, आगे क्या है, सो वी हैव टू वेट अपॉन देम, हमें उनकी वेट अपॉन मतलब उनकी सेवा करना, वेरी अटेंटिवली, बड़े कायदे से, एंड डू ऑल दैट वी कैन कीप देम इन गुड टेम्पर, ताकि उनका मूड ठीक रहे। हम सारी सेवा, सारी कुछ करते हैं, समय से चार्ज करेंगे, समय से उनको धुलाई सफाई पुछाई सब कुछ करते रहते हैं। ऑलरेडी वी फाइंड इट डिफिकल्ट आइदर टू वर्क आर प्ले विदाउट द मशीन्स, हम कोई काम करना और खेलना प्ले करना भी मशीनों के बिना असंभव पाते हैं करीब करीब। एंड अ टाइम मे कम, एक समय ऐसा आएगा व्हेन दे विल रूल अस टुगेदर, मतलब वो मशीनें हमारे ऊपर रूल करेंगी, शासन करेंगी, जस्ट एज वी रूल द एनिमल, जैसे आप जानवरों पर शासन करते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, और ये मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एट विच आई आस्क्ड व्हाट डू वी डू विद ऑल द टाइम विद द मशीन हैव सेव्ड फॉर अस, देखो जो समय मशीनों ने हमारा बचाया है हम उस समय का क्या करते हैं। एंड द न्यू एनर्जी दे गिव, दे हैव गिवन अस, मशीनों ने हमको जो ताकत दी है, मशीनों ने जो हमारा समय बचाया, उस समय का हम क्या करते हैं। पहले लोगों के पास समय था, अब जब आदमी मशीनें यूज करता तो और नहीं है उसके पास समय। ऑन द होल इट मस्ट बी एडमिटेड, ये हमें मानना चाहिए कि वी डू वेरी लिटिल, हम काम बहुत कम करते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट वी यूज आवर टाइम एंड एनर्जी टू मेक मोर एंड बेटर मशीन्स, हम सारा समय और बढ़िया मशीनें बनाने में खर्च करते हैं। विच विल गिव अस स्टिल मोर टाइम, तो हमें और ज़्यादा समय बच जाएगा, स्टिल मोर एनर्जी हमको मिल जाएगी। एंड वाट आर वी टू डू विद देम, और उस मोर एनर्जी और मोर टाइम का क्या करेंगे फिर। फिर कहा कि द आंसर, आई थिंक, मुझे लगता है कि आंसर क्या है कि दैट वी शुड ट्राई टू बिकम मोर सिविलाइज्ड, हमको चाहिए क्या, सूट लगाया इन्होंने, हमें इन्होंने कहा कि हमको चाहिए कि हम और सिविलाइज्ड बने। फॉर द मशीन्स देमसेल्व्स एंड द पावर विच द मशीन हैव गिवन अस, खुद मशीन और मशीन ने जो हमको पावर दी है वो दोनों मिला के आर नॉट सिविलाइज्ड, मशीन सिविलाइज नहीं है, मशीन ने जो हमको पावर दी है वो सिविलाइजेशन नहीं है, बट बल्कि वो एड्स टू सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन में थोड़ी हेल्प करती हैं, बट मशीन इटसेल्फ इज नॉट सिविलाइजेशन। अगर आप 1.5 लाख का फोन यूज करते हैं तो जरूरी है कि आप सभ्य हैं, हो सकता है बदतमीज हो, ठीक, तो मशीन से सिविलाइजेशन नहीं होती। इन्होंने कहा हाँ, सिविलाइज्ड होने में कुछ रोल है मशीन का, बट यू विल रिमेंबर दैट व्हाट वी एग्रीड एट द बिगिनिंग, लेकिन शुरू शुरू में जो देखा, जो हम पर, जिस पर हम लोग सहमत हुए थे वो क्या था कि बींग सिविलाइज्ड मीन्ट मेकिंग एंड लिंकिंग ब्यूटिफुल थिंग्स, अब ये है कि सिविलाइज्ड होने का मतलब हुआ कि हम सुंदर चीजें बनाएं और सुंदर सुंदर सोचें, थिंकिंग फ्रीली, सिविलाइज्ड होना है मतलब फ्री थिंकिंग करें, और लिविंग राइटली एंड मेंटेनिंग जस्टिस इक्वली अमंग पीपल, हम राइटली जिए मतलब जो हमारा उचित अधिकार है उसके साथ जिए, और दूसरों के साथ न्याय करें इक्वली हर आदमी के साथ, ये सिविलाइजेशन है, ये राइटर का कहना है। अ पर्सन हैज़ अ बेटर चांस टूडे टू डू दीज थिंग्स, आज आदमी के पास ज़्यादा चांस है कि वो ब्यूटीफुल चीज़ें बनाए, राइट ढंग से रहे, ही आर सी एवर हैड बिफोर, ही सी हैज़ मोर टाइम मोर एनर्जी लेस टू फियर लेस टू फाइट अगेंस्ट। ठीक है, आज आदमी के पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा एनर्जी है, डर कम है, ठीक है, एक दूसरे से लड़ना कम हो गया है,
इफ ही सी विल गिव हिज हर टाइम एंड एनर्जी विच हिज हर मशीन हैव वन फॉर हिम। मतलब अगर आदमी जो मशीनों ने उनको समय दिया है उसका ठीक से इस्तेमाल करें, यूज करें, टू मेक मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, अगर ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स हम बनाते हैं, टू फाइंड मोर एंड मोर अबाउट द यूनिवर्स, हम यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाएं, टू रिमूव द काज ऑफ क्वेरल्स बिटवीन नेशंस, देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े की वजह है उसको दूर करने का प्रयास करें, टू डिस्कवर हाउ टू प्रिवेंट पॉवर्टी, ये पता लगाएं कि गरीबी कैसे दूर की जाती है, देन आई थिंक आवर सिविलाइजेशन वुड अनडाउटेडली बी ग्रेटर और इट वुड बी मोर लास्टिंग देन इट हैज एवर बीन। क्लियर? चलिए अब आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपने समझ लिया ना पैसेज को पूरा? चलिए, तो टोन क्या है? तो मशीन को लेकर के, मशीन ने जो हमारा समय बचाया है, जो हमको एनर्जी दी है, उसके लिए उसको लेकर के राइटर ने हमारी खिंचाई की है, तो उसकी टोन क्या है? क्रिटिकल है। डिस्क्रिप्टिव वर्णन तो किया नहीं है उन्होंने, बल्कि खिंचाई ही की है। इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं, मशीनों के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी है, बल्कि ये बताया है मशीनों ने हमारे लिए समय बचाया और हम क्या किए, हम बर्बादी की ओर बढ़ गए, हम कोई बढ़िया चीज़ें नहीं बना रहे हैं, हम बर्बाद होने की कगार पर चले जा रहे हैं। तो ये टोन क्या है इनकी? क्रिटिकल है, डेमोंस्ट्रेटिव नहीं है, किसी चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्होंने कहा द यूज ऑफ मशीन हैज फेल टू ब्रिंग अस, मशीनों का यूज हमको क्या नहीं दे पाया, स्पिरिचुअल फ्रीडम इसका जिक्र ही नहीं हुआ है, मोर लेजर नहीं, लेजर तो मशीनों ने दिया है, एनर्जी भी मशीनों ने दी है, स्लेवरी एंड डिस्ट्रक्शन मशीनों ने क्या नहीं दिया है, फेल्ड कह रहे हैं, तो स्लेवरी तो मशीनों ने दी है, डिस्ट्रक्शन विनाश तो मशीनों ने दिया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हाँ ये बात आई थी, मशीनों का यूज करना ही कल्चर और सिविलाइजेशन नहीं होता, बल्कि मशीनों द्वारा बचाए गए समय को अच्छे काम में यूज करना सिविलाइजेशन होगा, तो मशीनें यही देने में फेल रही हैं, डी वाला ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। अकॉर्डिंग टू पैसेज आवर सिविलाइजेशन वुड बी मेड ग्रेटर, हमारी सिविलाइजेशन और अच्छी होती कब? इफ मैन डिवोट्स हिज टाइम टू मेक ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, गुड, ये वाला है, अगर आदमी ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स बनाने में अपना समय लगाता है तो हमारे मशीनें हमारे लिए सिविलाइजेशन लाती। इफ मैन लुक्स आफ्टर द एंड वेट्स अपॉन मशीन, अगर आदमी मशीनों का इंतजार करे नहीं, ये सिविलाइजेशन नहीं लाएगा। इफ मशीन्स आर मेड मैन सर्वेंट, अगर मशीनों को आदमी का सर्वेंट बना दिया, सिविलाइजेशन नहीं आएगी इसे। इफ मैन डिस्कवर्स हाउ टू प्रिवेंट पॉवर्टी, ना भाई ये पहला वाला होगा, इसी पर चर्चा हुई है पैसेज में, यही पे बात हुई है कि अगर आदमी मशीनों के द्वारा बचाए गए समय को टाइम को मोर ब्यूटीफुल थिंग्स को प्रोड्यूस करने में लगाता है तो सिविलाइजेशन आएगी, इसलिए वही वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि मशीनों के बारे में, अबाउट मशीन, इसमें कौन सा सेंटेंस है जो ट्रू है? तो दे ऑलरेडी रूल अस, ऑलरेडी रूल नहीं, मशीनें हमारे ऊपर ऑलरेडी वैसे ही रूल कर रही हैं जैसे पहले करती थी, नहीं पहले वाली बात नहीं है। इन्होंने कहा कि पहले, अब ये इन्होंने संभावना देते हैं आगे चल के मशीनें हमारे ऊपर रूल करेंगी, दे वेट अपान अस, हम वो नहीं, हम उसका, हम उस पर वेट अपान करते हैं, मशीनें हमारे लिए वेट अपान नहीं करती, दे आर इनएक्सोरेबल मास्टर्स, मैंने एक निशान लगाया था कि जो मशीनें हैं हमारे लिए क्या हैं, बड़ी स्टर्न मास्टर्स हैं, तो ये स्टर्न का इनएक्सोरेबल होगा, यही तो होगा तीसरा वाला, पैसेज में यही लिखा हुआ था, दे हैव मेड मैन मोर सिविलाइज, इन्होंने मशीन आदमियों को और ज़्यादा सिविलाइज किया, बिल्कुल नहीं। अब इन्होंने कहा कि पावर बेस्टोड अपॉन अस, मतलब हाउ डू वी यूज, हम उस पावर का जो मशीनों ने हमको दिया उसको हमें, हम कैसे कर रहे हैं इस समय, हम उस पावर का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यूडिशियसली नहीं, राइटर ने कहा कि हम उसका उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, टेम्परामेंटली मतलब गुस्से में, ये भी नहीं कहा उन्होंने, डिवाइनली देवीय रूप से, ईश्वरीय रूप से, ये भी नहीं कहा, इरेशनली मतलब अनुचित रूप से यूज कर रहे हैं, गैर मतलब अतार्किक ढंग से यूज कर रहे हैं उनके द्वारा की गई पावर का, तो ये हो गया आपका डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एक पैसेज और है, फिर आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा, पैसेज बड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 116, प्लास्टिक हैज डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट ऑन, प्लास्टिक का किस पर डिस्ट्रेसिंग, बहुत ही निराशाजनक इफेक्ट है। ठीक, चलिए ढूंढेंगे, लिखा है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड, प्लास्टिक और प्लास्टिक पार्टिकल्स को पाया जा सकता है कहाँ कहाँ, ये तो पढ़ने पे मिलेगा, सब फैक्चुअल है, सारे क्वेश्चन पैसेज मिलेंगे। प्लास्टिक पॉल्यूशन अपीयर्स टू बी, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो क्या है, एपिडेमिक, पैंडेमिक, स्मॉल मेनेस। ठीक है, आगे देखो, प्लास्टिक इज कंसिडर्ड एंड एसेंशियल कमोडिटी, प्लास्टिक को हम एक एसेंशियल कमोडिटी क्यों मानते हैं। अगला लिखा है द वर्ड क्लॉगिंग, क्लॉगिंग का यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है, चलिए अब पैसेज पढ़ लेते हैं,
इसमें तो हमने आपके आंसर को लगा रखा है, ठीक है। चलिए पैसेज पढ़िए। यहाँ लिखा कि प्लास्टिक इज एन एसेंशियल कमोडिटी, लास्ट वाला क्वेश्चन यही है, एसेंशियल कमोडिटी क्यों मानते हैं हम, विद मल्टीपल यूजेस बेस्ड ऑन द इट्स की क्वालिटीज, ठीक। ये मल्टीपल यूज है प्लास्टिक का, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी है। इसकी जो की क्वालिटीज हैं क्या है, मैलिएबिलिटी, क्योंकि ये लचीला है, फ्लेक्सिबल है और ड्यूरेबल है, बहुत टिकाऊ है, ज़्यादा दिन तक चलता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। आगे देखो, एक कारण है मल्टीपल यूज, इसका आंसर लेना चाहो तो मैं भी बता दूँ इसका, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, प्लास्टिक हमारे लिए ये क्या है, एसेंशियल कमोडिटी क्यों है, ये आखिरी वाला क्वेश्चन था ना, क्योंकि इसके मल्टीपल यूज है, मल्टीपल ये ना, इट हैज मल्टीपल यूजेज इन आवर एवरीडे लाइफ, ये चौथा वाला आंसर हो गया। क्लियर है ना, सेटिस्फाइड हो, ठीक है 119 में। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, अब मैं जल्दी जल्दी नहीं आऊँगा, बीच में एक दिखाने के लिए आ गया था, अब इसके बाद हम क्या है, एक और से पढ़ना है, लास्ट में आंसर ढूंढेंगे। प्लास्टिक्स आर ओमनी प्रेजेंट इन एग्रीकल्चर, ओमनी प्रेजेंट मतलब जहाँ देखो तहाँ दिखाई देते हैं, एग्रीकल्चर में दिखाई देते हैं, फिशरी में दिखाई देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में दिखाई देते हैं, ट्रांसपोर्ट में दिखाई देते हैं, टेक्नोलॉजी में, रिटेल में, टेक्सटाइल में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में और ऑल द अदर सेक्टर्स इन एंड इंडस्ट्रीज दैट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट आवर लाइफ, इसीलिए ये एसेंशियल कमोडिटी है। आगे, प्लास्टिक हैज इंडीड मेड आवर लाइफ मोर कन्वीनियंट, प्लास्टिक से हमारी लाइफ काफ़ी कन्वीनियंट हुई है, बट इट हैज़ कम एट अ हायर प्राइस दैन वी इमेजिंड, लेकिन इसकी कीमत हमें बहुत ऊंची चुका है, जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है प्लास्टिक की। द प्लास्टिक पॉल्यूशन ओवरफ्लोइंग आवर लैंडफिल, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है हमारी लैंडफिल्स को, हमारी नीचे की ज़मीन को क्या होता, उसको ओवरफ्लो कर रहा, मतलब भर गया नीचे ज़मीन के नीचे, पता लगा तीन चार पाँच फुट तक प्लास्टिक ही भरा हुआ। क्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, जमाना, मतलब चोक कर देना, क्लॉगिंग वाटर वे, इससे क्या होता है जो पानी का रास्ता है वो क्लॉग हो जाता है, क्लॉग का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, इसी की मीनिंग पूछा था, याद रखिएगा। एंड इनफिल्ट्रेटिंग द ओशियन, अब ये क्या हो रहा है, ओशियन को क्या कर रहा है, इनफिल्ट्रेट कर रहा है। इज प्राइमरी मेड ऑफ डिस्कार्डेड आइटम एंड पैकेजिंग, आगे लिखा है कि प्लास्टिक लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ये सैकड़ों सालों तक चलता है, स्लोली डिसइंटीग्रेटिंग, ये डिकम्पोज बहुत धीरे धीरे होता है इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, बट नेवर फुली डिग्रेड, कभी पूरा डिग्रेड नहीं होता। इंडीड वन ऑफ द की पार्क्स ऑफ द प्लास्टिक इज इट्स लॉन्गेविटी, इसका जो एक मेन पर्क है वो क्या है, इसकी लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी का मतलब क्या, वो बहुत दिन तक ये खराब नहीं होता है, नष्ट नहीं होता। एंड येट द प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ नियरली एवरी प्रोडक्ट वी परचेज, हम लगभग जितनी चीज़ें खरीदते हैं सब प्लास्टिक में पैकेट होती हैं, पैक्ड होती हैं। मेनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स आर, कई तो प्लास्टिक प्रोडक्ट जो हैं खुद ही क्या है, आर इंटेंडेड टू बी डिस्कार्डेड आफ्टर सिंगल यूज, एक यूज के बाद उनको डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए, कई बार ऐसे ये तो साफ साफ लिखा होता है, जबकि उसको मल्टीपल यूज होना चाहिए तब वो थोड़ा कम पॉल्यूशन होगा। आगे लिखा कि थ्रो अवे प्लास्टिक, जो हम लोग यूज करके फेंक देते हैं, इज एन ऑक्सीमोरोन, ये एक मतलब विरोधाभास है, ठीक, बट इट हैज़ बिकम आवर सैड इंक्रीजिंगली डेंजरस रियलिटी, लेकिन ये हमारी सैड और बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई खतरनाक रियलिटी है। प्लास्टिक पॉल्यूशन शुड मेक एवरीवन एंग्री, हर किसी को इस पर नाराज होना चाहिए। दिस इज अ क्राइसिस वी कैन सी विद द नेकेड आई, आप नंगी आंखों से इसकी क्राइसिस देख रहे हैं, डे इन एंड डे आउट, रात दिन देख रहे हैं। प्लास्टिक हैज़ बीन फाउंड ऑन इवन द मोस्ट रिमोट इनहैबिटेड आईलैंड, मतलब दूर दूर के जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, इनहैबिटेड लोगों में, मतलब दूर दूर के रिमोट एरिया में, अनइनहैबिटेड जहाँ लोग रहते भी नहीं, वहाँ भी प्लास्टिक है, लोग लग जाकर डाल दिए या समुद्र में बहते बहते पहुँच गया। एंड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, कहाँ डीपेस्ट पार्ट, कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, ध्यान देना, रिमोट एरियाज में, अनइनहैबिटेड एरियाज में और डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन में, ध्यान रखना। आगे लिखा कि बिकॉज वी कैन सी इट, हम इसको देख पा रहे हैं, वी आर मोर कीनली अवेयर ऑफ इट, हम इससे बहुत ज़्यादा उत्सुक है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कीनली अवेयर भी है, अनलाइक सम अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, दूसरे जो लाइक पॉल्यूशन है वो उसको उतना हम देख नहीं पाते, जैसे एयर पॉल्यूशन को देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ये प्लास्टिक वाला पॉल्यूशन तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन 2019 की बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फॉर फर्दर स्टडीज ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ द माइक्रो प्लास्टिक ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, एंड इनिशियल स्टडी, एक शुरुआती स्टडी हैम्पर्ड मतलब जिसमें बाधा डाली गई थी बाई अ लैक ऑफ एडिकेट डाटा, तो उसमें तो पर्याप्त डाटा नहीं था, इसकी वजह से उसमें बाधा आई थी।
कंक्लूडेड माइक्रोप्लास्टिक्स पोज नो डेंजर एट करंट लेवल, ठीक है, WHO 19 की रिपोर्ट है। ऑल्दो द WHO रिपोर्ट वॉज इनकंक्लूसिव अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन ह्यूमन हेल्थ, अदर स्टडीज हैव लिंक्ड द केमिकल्स इन प्लास्टिक टू नेगेटिव हेल्थ आउटकम्स इंक्लूडिंग एंडोक्राइन डिसरप्शंस। आगे लिखा है कि प्लास्टिक पार्टिकल्स हैव बीन डिटेक्टेड इन, कहाँ कहाँ देखा गया, इन, यहाँ से क्वेश्चन होगा, ड्रिंकिंग वाटर में भी प्लास्टिक पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, इन द फूड वी ईट, जिस जो हम खाते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। 2019 स्टडी कमीशन बाय WWF एस्टिमेटिंग ह्यूमन कंज्यूम, उसमें ये एस्टिमेट किया गया था कि आदमी 5 ग्राम या 1 क्रेडिट कार्ड के वेट का प्लास्टिक हम एवरी वीक खा रहे हैं। वी हैव सीन द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक हैज ऑन मरीन लाइफ, तो जो विनाशकारी डिवास्टेटिंग मानते हैं क्या, बहुत ही डिस्ट्रक्टिंग इफेक्ट जो हमको प्लास्टिक का मरीन लाइफ मतलब क्या हुआ, समुद्र में मछलियों वगैरह पे जो देखने को मिलता है, ठीक, फॉरेस्ट है उदाहरण के लिए, अनेबल टू प्रोसेस इंजेस्टेड प्लास्टिक, अब जैसे मछलियों ने उस प्लास्टिक को खा लिया तो वो इंजेस्ट नहीं कर पाती है ना, पाचन नहीं होता, वेस्ट पीसेज। आगे लिखा सी बर्ड्स हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं मछलियाँ, अच्छा अदर सी क्रिएचर्स हैं स्टार्व टू डेथ, वो मतलब भूखों मर रही हैं, खाने को नहीं मिल रहा, वो भूखों मर रही हैं। वी हैव सीन सी टर्टल मतलब समुद्र में जो कछुआ पाया जाता है, और दूसरे एनिमल टैंगल्ड इन द फिशिंग नेट्स, ये फिशिंग नेट में फंस जाते हैं बेचारे, या ट्रैप हो जाते हैं प्लास्टिक पैक रिंग्स में, जो मतलब जो प्लास्टिक समुद्र में बिखरा हुआ है उसमें फंस जाते हैं बेचारे। प्लास्टिक पोल्यूशन आल्सो रेक्स हैवक ऑन लैंड, ये रेक का मतलब क्या हुआ, ये विनाश ला रहा है किस पर, जमीन पर भी। क्लॉगिंग ड्रेन्स, यहाँ भी क्या हुआ, वही वहाँ पे जो क्लॉगिंग था वही यहाँ भी मीनिंग है, क्लॉगिंग ड्रेन्स नालियों को क्या कर रहा है, चोक कर रहा है, एंड प्रिवेंटिंग रेन वाटर फ्रॉम सोकिंग इनटू द सॉइल, और जो नालियाँ चोक हो जा रही हैं तो जो रेन वाटर है वो नीचे नहीं जा पा रहा है, पानी के जमीन के नीचे नहीं जा पा रहा है, इससे वाटर लेवल घट रहा है, विच लीड्स टू फ्लडिंग, इसका मतलब क्या होगा, पानी नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर बहेगा तो ये बाढ़ आएगी। टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स आल्सो सफर एंड इफेक्ट द प्लास्टिक वेस्ट, जो टेरेस्ट्रियल जो स्थल पे जीव जंतु हैं प्राणी हैं वो भी इस प्लास्टिक वेस्ट को सफ़र कर रहे हैं, देखो कभी भी गाय वगैरह खा लेती हैं प्लास्टिक, विद सम गेटिंग ट्रैप्ड, इसमें से कुछ क्या होता है ट्रैप हो जाते हैं इन कार्डेड प्लास्टिक बैग में, प्लास्टिक बैग वगैरह में कुछ छोटे मोटे जानवर फंस जाते हैं और सफोकेशन से उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं बेचारे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन करो एक एक करके, पहले देखो प्लास्टिक हैज डिस्ट्रक्टिंग इफेक्ट, प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिंग इफेक्ट क्या है, ओनली ह्यूमन, देखो ओनली तो गलत हो जाएगा ना, ओनली कुछ नहीं, ओनली मरीन लाइफ भी नहीं होगा, समझ गए, केवल ह्यूमन केवल मरीन लाइफ दोनों को प्रभावित कर रहा है, तो 116 में क्या करना चाहिए आपको, बोथ, ठीक है, अब नन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पार्टिकल कैन बी फाउंड, ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं, हर जगह, तो जहाँ देखो वहाँ पाए जा रहे हैं। अभी जो इसमें पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा है वो कहाँ है, ओशियन डेप्थ, समुद्र की गहराई में तो मिला, ये लिखा हुआ था साफ साफ, माउंटेन टॉप पर नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पे बात ही नहीं हुई, माउंटेन टॉप का जिक्र ही नहीं हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, हाँ रिमोट एरियाज की बात थी, अनइनहेबिटेड लैंड की बात थी, लेकिन माउंटेन टॉप का यहाँ पे जिक्र नहीं था। इन मेटल्स एंड मिनरल और मीटर में प्लास्टिक पाया जा रहा है, ये बात नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा फिर, ओशियन टॉप या ओशियन डेप्थ में पाया जा रहा, ठीक है, जो पैसेज में है उसके अकॉर्डिंग। आगे लिखा प्लास्टिक पोल्यूशन अपीयर, जो प्लास्टिक पोल्यूशन है क्या है, एपिडेमिक है कि पैंडेमिक है, आप देखो एपिडेमिक बड़ी एरिया में होता है, पैंडेमिक पूरे दुनिया में होता है, तो ये पैंडेमिक होगा ना, पूरे विश्व में ये फैला हुआ है, तो इसलिए इसको पैंडेमिक की कैटेगरी में रखो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 19 पे, प्लास्टिक इज कंसिडर्ड एंड एसेंशियल कमोडिटी, क्यों, क्योंकि ये हम लगा चुके हैं, इट हैज मल्टीपल यूजेज। क्लॉगिंग का मतलब क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्लॉग का मतलब होता है ना नालियाँ वगैरह चोक हो जाती हैं, बाधा हो जाती है, बंद हो जाती हैं, ठीक है, ये सब नहीं होगा, क्लियर। तो हम लोगों ने अभी देखो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, करीब 1.5 घंटे का वीडियो बन गया है, अब कितने में, 160 क्वेश्चन करने में ये 1.5 घंटे का वीडियो बन गया है। आई होप कि हमें अगली बार से इसको 3 पार्ट में कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय ले रहा है ये, ठीक है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब इसको हम कितने पार्ट में बनाएं, ये 120 क्वेश्चन है, अगर 3 पार्ट्स में करते हैं तो आई होप कि वो थोड़ा कंफर्टेबल और इजी रहेगा, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है 1 घंटा 43 मिनट, 1 आवर 43 मिनट्स हो चुके हैं,
45 मिनट्स का करीब चला जाएगा, ये 145 मिनट्स में, ठीक है। तो इतना लंबा मुझे सुटेबल नहीं लग रहा, फिलहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो आप लोगों की प्रतिक्रिया, आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगा मैं, आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। तो आप हमको अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।